Hello, all of you. Today, my second lecture. First of all, I am introduced about myself. Myself, Dr. Manish Dubey. My PhD funded from Indian Council of Medical Research, New Delhi. I am Senior Faculty of Geology, Sarvottam Institute, Kota, and former Senior Faculty of Geology, Akash Institute, Delhi, and GCI Institute, Sikar. I am also author of chapters of 4 national and international books, and my total 22 research papers published in national and international journals. My total teaching experience in this field more than 12 years in reputed institutes of India. During this period, more than 5,000 doctors under my mentorship. I will help you to develop crystal clear concept with best notes and example. Track NEET UG with India's largest learning platform Unacademy. इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर. आफ्टर इंस्टॉलेशन आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर गेट सब्सक्रिप्शन, इसको क्लिक करना है, आप सब्सक्रिप्शन ले पाएंगे इसका. अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड होने वाली है. यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उससे अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विज आपको मिलेंगे जो आपकी स्टडी को प्रॉपर इवेलुएट करते हैं. स्ट्रक्चर्ड कोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. यहाँ अनलिमिटेड एसेस मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि तो इसमें क्या होगा, आप जितने टाइम के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं उतने टाइम तक आप किसी भी एजुकेटर का लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो अनलिमिटेड टाइम उसको वॉच कर सकते हो किसी भी कंफर्ट डिवाइस के साथ. अब बताती है कि कितना पे करना होगा. तो सीधी सी बात है, अगर आप 11th के स्टूडेंट हो तो आपको 2 ईयर स्टडी करना है, 11th और 12th, तो आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ओनली आपको 32400 में मिल जाएगा. बट अगर आप 12th के या अचीवर यानी 13 के स्टूडेंट हैं तो बेटर है आप 12 मंथ यानी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लें. तो यहाँ 27,000 पे करना होगा. और यहाँ एक चीज और ध्यान रखी गई है कि कई स्टूडेंट जो बहुत शॉर्ट कोर्स ज्वाइन करते हैं लाइक अ क्रैश कोर्स, ठीक है, या कोई भी टेस्ट सीरीज लाइक कोर्स, तो उनके लिए यहाँ 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ का ऑप्शन भी है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, बट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है, बट इसलिए कहते हैं 12 मंथ और 24 मंथ का सबसे बेटर है. बट ये ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो एक मेरा कोड है MD001, MD मतलब मनीष दुबे, 001 आपको याद रहेगा, ठीक है, बहुत 001, ठीक है. सीधी सी बात है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको हर सब्सक्रिप्शन में 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, हमने एक टेस्ट सीरीज या कह सकते हैं सीरीज लॉन्च की है जिसमें ये सेकंड लेक्चर है. इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बहुत सुपर सीरीज है, इसमें ओनली हम 10 लेक्चर लेने वाले हैं, ठीक है. एक लेक्चर हमारा हो चुका है, ये सेकंड लेक्चर है. इन 10 लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अलावा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बड़े मेन टॉपिक्स हैं, इनको हम कवर करने वाले हैं. और इनको कवर करने के लिए हमने स्ट्रेटेजी यूज की है, वो सुपर स्ट्रेटेजी है. इसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट हम यूज कर लेंगे. ओनली ध्यान रखना, हम कंसेप्ट भी यूज करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पर. मैं एमसीक्यू क्वेश्चन के बेस पर आपके सारे कंसेप्ट को, जो आप पूरी ईयर स्टडी करते हैं तब भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ ही जाते हैं, वो सारे कंफ्यूजन यहाँ आपको दूर होने वाले हैं. ओनली सिंगल लेक्चर में सिंगल चैप्टर हम फिनिश करने वाले हैं. तो ये बहुत सुपर सीरीज है, इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इसमें क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी के सारे डाउट्स, एक कंसेप्चुअल, इसके अलावा एनसीईआरटी के सारे डायग्राम, क्योंकि एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके यहाँ एकदम कंसेप्चुअल सेट हो जाएंगे ब्रेन के अंदर. तो ये हमने जो टेस्ट सीरीज या सीरीज कह सकते हो जो लॉन्च की है, इसमें टेस्ट भी है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें कंसेप्ट भी है, इसमें एनसीईआरटी के डायग्राम भी है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन सुपर वेटेज कोर्स है. तो ध्यान रखना, ठीक है, इसको बहुत मतलब हाई वेटेज कोर्स है तो बहुत सीरियसली लेना. तो इसमें 10 लेक्चर होंगे बेटा, जिसमें मैं पक्का बोल रहा हूँ 25 to 30 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, जो 100 से लेकर के 120 मार्क्स का वेटेज रखते हैं. ओनली 10 लेक्चर, ध्यान रखना है. इसमें हम टॉपिक जो कवर करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ,
ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें काफी वेटेज है, 14 to 16, 4 to 5, 2 to 3 और 5 to 6 क्वेश्चन का वेटेज, काफी वेटेज होता है, इन शॉर्ट ड्यूरेशन सुपर वेटेज। मैंने बताया कि इसमें हम एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड यूज करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी के डायग्राम यूज कर लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड सिस्टम है इसमें, एनसीईआरटी का विद कंसेप्चुअल रिविजन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर हाईली वेटेज टॉपिक को भी हमने कंसेप्चुअल डिस्क्राइब किया है, इसलिए कह सकते हो इस, और इसके अंदर जो भी हमने एमसीक्यू यूज किए हैं बेटा, वो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जिनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, नीट 2020 में भी, इसके अलावा नीट 2021 में भी, यानी ये सीरीज दोनों के ही लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए कह सकते हो ये शॉर्ट ड्यूरेशन विद हाई वेटेज कोर्स है। तो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया था डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकंड ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि कुछ टॉपिक के हाई वेटेज थे, तो हमने उन टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटल ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस का स्टडी करके आपको बताता हूँ कि हर टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, और क्वेश्चन का भी वेटेज है, 2010 में 4, 11 में 4, 12 में 2, 13 में 2, 14 में 1, 1 अगेन 2, 1 3 और 19 में आकर के अगेन 2 क्वेश्चन, यानी मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी अगर एक एन एवरेजन देखोगे 2 क्वेश्चन तो लगभग मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो नो डाउट, ठीक है, 8 मार्क्स 2 क्वेश्चन वेटेज तो है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ कुछ कंसेप्ट की बात करेंगे, देन क्वेश्चंस कंसेप्ट, क्वेश्चन कंसेप्ट, तो कंसेप्ट की बात करते हैं, कंसेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, इस चीज की बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन क्या है, इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, मीन्स ये फिजिकल प्रोसेस भी है और केमिकल प्रोसेस भी है। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन फिजिकल प्रोसेस एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर में ऑक्सीजन भी होती है, एटमोस्फियर में CO2 भी होती है और एटमोस्फियर में नाइट्रोजन भी होती है। यदि एटमोस्फेरिक एयर को, हम यहाँ एयर की बात कर रहे हैं, एटमोस्फेरिक एयर को हम लंग्स में इनहेल करते हैं और लंग से एक्सहेल भी करते हैं, तो एयर की बात चल रही है, तो एटमोस्फेरिक एयर का इनहेल और एक्सहेल, इनहेल को बोलते हैं इंस्पायरेशन, एक्सहेल को बोलते हैं एक्सपायरेशन, समझना, और एयर का फ्लो ऑलवेज हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक एयर लंग्स में तभी एंटर करेगी जब लंग्स के अंदर एयर का पार्शियल प्रेशर एटमोस्फेयर से कम होगा, और लंग्स की एयर एटमोस्फेयर में तभी एक्सहेल होगी जब लंग्स का पार्शियल प्रेशर एयर से ज्यादा होगा, यानी एटमोस्फेयर से ज्यादा होगा। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्रीथिंग, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वेंटिलेशन, यानी एयर का लंग्स में एंटर करना और एक्सहेल होना। तो मैंने क्लियर कर क्लियर ध्यान रखना है आपको, लंग्स लंग्स में एयर का जो एंटर करना है इंस्पिरेशन, वो कहाँ से कहाँ होगा, हाई पार्शियल टू प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो लंग्स में पार्शियल प्रेशर कम कब होगा, जब हम लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर रिड्यूस होगा और एक्सटर्नल एयर लंग्स में एंटर करेगी, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। और जब हम, अच्छा, जब हम लंग्स के वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा, इंटरनल एयर कहाँ जाएगी, बाहर। तो इस वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से ही प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से ही ये ब्रीथिंग या वेंटिलेशन की मैकेनिज्म होगी। तो अब इस वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, नंबर 1 इंटरकॉस्टल मसल्स, नंबर 2 डायफ्राम भी बोल सकते हो या फ्रेनिक भी बोल सकते हो, फ्रेनिक मसल्स, यानी इन दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, एक्सटर्नल एयर कहाँ आती है, लंग्स में, और इनके रिलैक्स होने की वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, और लंग्स की एयर कहाँ जाती है, एटमोस्फियर में। तो यहाँ एयर का इन एंड आउट हो रहा है, ऑक्सीजन और CO2 का नहीं हो रहा, तो एक मैकेनिज्म क्लियर हो गई, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, तो समझना मेरी बात। तो लंग्स में जो एंटर कर रही है बेटा, वो एयर कर रही है, पर एयर में से ओनली ऑक्सीजन का ही डिफ्यूजन हो रहा है, और CO2 का डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन का लंग्स टू ब्लड और CO2 का ब्लड टू लंग्स, और नाइट्रोजन तो बहुत ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन डिफ्यूज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि डिफ्यूजन, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, तो बोलोगे सॉल्युबिलिटी, क्योंकि नाइट्रोजन ब्लड में सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए नाइट्रोजन का डिफ्यूजन नहीं होगा, ऑक्सीजन और CO2 सॉल्युबल होते हैं, इसलिए उनका डिफ्यूजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना है सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस को इफेक्ट करता है। दूसरा, ऑक्सीजन लंग्स से जा रही है ब्लड में, CO2 ब्लड से लंग्स में, ऐसा क्यों, अपोजिट भी तो हम बोल सकते थे, बट नहीं, क्यों,
क्योंकि सेकंड फैक्टर है जो डिफ्यूजन को इफेक्ट करता है वो है पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज्यादा है और CO2 का पार्शियल प्रेशर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ज्यादा है। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, तो सेकंड फैक्टर क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर। और थर्ड फैक्टर और आप बोल सकते हो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, क्योंकि लंग्स और ब्लड के बीच की जो मेम्ब्रेन है अगर मैं इनकी थिकनेस इंक्रीज कर देता हूं तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। थिकनेस बढ़ेगी तो डिफ्यूजन रेट घटेगी, क्योंकि डिफ्यूजन थिकनेस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। देन आफ्टर क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन कहाँ जाएगी? टिश्यू के पास। टिश्यू से CO2 कहाँ जाएगी? लंग्स में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और फाइनली क्या होगा? जब टिश्यू के पास गैसेस पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगी? टिश्यू में। और टिश्यू से CO2 डिफ्यूज होकर कहाँ जाएगी? बाहर ब्लड में। तो इंटरनल लेवल पर जो एक्सचेंज हो रहा है इसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। तो ये फोर स्टेप, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड इंटरनल रेस्पायरेशन, ऑल फोर स्टेप इंक्लूडेड इन फिजिकल प्रोसेस। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड नंबर फोर, ये फोर स्टेप किसमें इन्वॉल्व होते हैं? फिजिकल प्रोसेस। और ध्यान रखना है फिजिकल प्रोसेस एनिमल टू एनिमल भी वेरी कर सकती है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वेरी करती ही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बट अगर हम केमिकल प्रोसेस की बात करते हैं तो केमिकल प्रोसेस क्या है? केमिकल प्रोसेस मींस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होता है। अब ऑक्सीजन अंदर जाके क्या काम कर रही है? ऑक्सीजन अंदर जाके C6H12 का ऑक्सीडेशन कर रही है, CO2H2 और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रही है। यानी सेल में कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है फॉर फॉर्मेशन ऑफ CO2। यानी सेल के अंदर कंटिन्यू CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा। तो सेल के अंदर जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है वो इनडायरेक्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे लाइक ग्लाइकोलाइसिस, लाइक क्रैब्स साइकिल। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है मेन पर्पस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। और एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल प्रोसेस सिमिलर होती है इंक्लूडिंग प्लांट। प्लांट प्लांट में भी केमिकल प्रोसेस सिमिलर होती है। प्लांट भी रेस्पिरेशन एनिमल की तरह ही करते हैं। प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन और CO2 रिलीज करते हैं, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबको है। सबके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन सिमिलर होगा, बट फिजिकल प्रोसेस वेरी कर सकती है। फिजिकल प्रोसेस का मेन पर्पस होता है एटमोस्फियर से एयर को टिश्यू के नियर पहुंचाना। वो एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करती है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो यहाँ फिफ्थ मैकेनिज्म है सेलुलर रेस्पिरेशन विच इंक्लूडेड इन केमिकल प्रोसेस, और जो फोर मैंने स्टेप बताए ऑल आर इंक्लूडेड इन फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस वेरी कर सकती है, बट केमिकल प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में सिमिलर होती है। दिस अ कॉन्सेप्ट। अब बताते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बताए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये डायग्राम NCERT का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ हमने ये एपिग्लॉटिस दिखाया है जो एक कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ फ्लैप होता है जो ट्रेकिया की ओपनिंग को कवर करता है ड्यूरिंग डीग्लूटिनेशन ऑफ फूड। जब आप खाने को निगलते हो, डीग्लूटिनेट करते हो, तो ये एपिग्लॉटिस ट्रेकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, उसको कवर कर लेता है और फूड को ट्रेकिया या कह सकते हो एयर पाइप में एंटर करने से रोकता है। तो इसके नीचे स्टार्टिंग में ट्रेकिया की जो स्टार्टिंग होती है यहाँ लगा होता है लैरिंग्स, इसको हम साउंड बॉक्स बोलते हैं। देन स्ट्रेट ट्यूब होती है, इसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। ट्रेकिया आगे जाकर के बाइफर्केट कर रही है, किसमें बाइफर्केट कर रही है? ब्रोंकस, इसको हम ब्रोंकाई भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आता है ट्रेकिया जो बाइफर्केट करती है आगे जाकर के वो किस रीजन से बाइफर्केट करती है? ध्यान रखना इसको T5 रीजन बोलते हैं। तो ध्यान रखना है ये कहां से बाइफर्केट करती है? आप बोलोगे T5। अब T5 का मतलब क्या है? यानी आगे तो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो आप जानते हो नेक पर क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद थोरेसिक चालू हो जाते हैं, तो थोरेसिक कितने होते हैं? 12। जो फिफ्थ नंबर का थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके इन फ्रंट से ट्रैकिया बाइफर्केट करती है ब्रोंकस के अंदर, समझना मेरी बात। तो ब्रोंकस से जो ट्रैकिया बाइफर्केट कर रही है किस रीजन से कर रही है? T5। क्वेश्चन आता है T5 रीजन से बाइफर्केट करती है, फिर ब्रोंकस अंदर जाकर के फिर अगेन बाइफर्केट करते हैं, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्शरी ब्रोंका है, इस तरीके से फर्दर 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 ब्रांचिंग पैटर्न डेवलप होता रहता है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखनी है, अगर हम ट्रेकिया की बात करते हैं जो स्ट्रेट ट्यूब है जो लैरिंग से एक्सटेंड करती है और ब्रोंकस तक जाती है, और ट्रेकिया को कोलैप्स होने से जो प्रिवेंट करते हैं ये शी शेप हाइलिन कार्टिलेज है, ध्यान रखना। ये कैसे होते हैं? शी शेप होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज है। अब सी ही क्यों होते हैं? क्योंकि आगे तो होती है ट्रैकिया और पीछे होती है ईसोफेगस।
पाइप, तो एक्चुअली फूड पाइप को कवर नहीं करते, ये ट्रेकिया को कवर करते हैं, इसलिए ये सी शेप होते हैं। तो ध्यान रखना, आगे से तो जो पार्ट हो गया आगे वाला, क्या हो गया वेंट्रल, पीछे से क्या हो गया डोर्सल। तो क्वेश्चन आता है, जो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं वो इनकम्प्लीट डोर्सल ही होते हैं वेंट्रल ही? आप बोलोगे डोर्सल इनकम्प्लीट होते हैं, क्लियर है बिल्कुल। हाइलिन कार्टिलेज होते हैं डोर्सल ही इनकम्प्लीट होते हैं, सी शेप होते हैं। और ये ट्रेकिया में ही नहीं होते, ट्रेकिया में भी होते हैं, ब्रोंकाई में भी होते हैं, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होते हैं, जो मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। अब फाइनली हम बात करते हैं, भाई हमारे लंग्स एक एयर टाइट चैम्बर में होते हैं, उसको बोलते हैं थोरेसिक चैम्बर, क्लियर है। इस थोरेसिक चैम्बर की बात करते हैं, तो वेंट्रल साइड से थोरेसिक चैम्बर बना होता है स्टर्नम से, डोर्सल साइड पर क्या होते हैं वर्टिकल कॉलम या बैकबोन भी बोल सकते हो, और लेटर साइड पर यहाँ क्या होते हैं आप बोलोगे रिब्स, और नीचे की साइड लोअर साइड यानी एंटीरियर पोस्टीरियर एंड पर क्या लगा होता है, नीचे पोस्टीरियर एंड पर लगा होता है डायफ्राम, ये पोस्टीरियर एंड हो गया, ऊपर एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, लेटरल साइड पे तो लेटरल है ही, और बैकबोन पीछे क्या हो गई डोर्सल, और स्टर्नम आगे क्या हो गया वेंट्रल। तो ये एयर टाइट चैम्बर बनता है चारों तरफ से, तो ध्यान रखना आगे स्टर्नम यानी वेंट्रल साइड पे स्टर्नम, डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम, इनको जोड़ने के लिए लेटर साइड पर क्या होंगे रिब्स, और पोस्टीरियर एंड पर लगा होगा डायफ्राम। ये एयर टाइट चैम्बर होता है, इसी में लंग्स होते हैं। तो ध्यान रखना लंग्स तो सॉलिड होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है, जो कई सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कई लोब्स होते हैं। अब लोब्स की अगर बात की जाती है तो ध्यान रखना, ये तो बेटा हमारा है राइट लंग्स, कौन सा है राइट लंग्स, और इधर हम दिखा सकते हैं हमारा लेफ्ट लंग्स, समझना। तो राइट में कितने लोब होते हैं थ्री, तो ध्यान रखना इन लोब्स को बनाने के लिए कुछ फिशर होते हैं, फिशर लाइक अ सेप्टम, सेप्टम जो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर एक तो हॉरिजॉन्टल फिशर होगा, इसको ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल फिशर बोल सकते हो राइट लंग्स में, और एक होगा यहां पर ऑब्लिक तिरछा फिशर, समझना। तो कितने लोब हो गए 1 2 3, राइट की बात चल रही है, लेफ्ट के अंदर ओनली और ओनली ऑब्लिक फिशर होता है, तो कितने लोब होंगे 2 1 एंड 2। तो ध्यान रखना राइट लंग्स में 3 लोब होते हैं क्योंकि 2 फिशर होते हैं, लेफ्ट लंग्स में ओनली 1 फिशर होता है, तो कितने लोब हो जाएंगे 2 लोब, दोनों में मिल रहे हैं, फिशर दोनों में मिल रहे हैं, पर ऑब्लिक फिशर दोनों में मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली और ओनली राइट लंग्स में मिल रहा है। एक चीज और ध्यान से देखना, यहां पर एक लेफ्ट लंग्स में नॉच लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट, इट इज कॉल्ड कार्डियक नॉच, क्या बोलते हैं इसको कार्डियक नॉच, लिख देते हैं कार्डियक नॉच, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, ये यहां। तो ये कार्डियक नॉच ओनली और ओनली प्रेजेंट इन लेफ्ट लंग्स, राइट लंग्स में कार्डियक नॉच नहीं होती। तो ध्यान रखना कार्डियक नॉच स्पेसिफिक फीचर है लेफ्ट लंग्स का, और हॉरिजॉन्टल फिशर स्पेसिफिक फीचर है राइट लंग्स का, लोब्स दोनों में मिलते हैं, समझना मेरी बात, लोब्स दोनों में मिलते हैं, क्लियर है, और ऑब्लिक फिशर दोनों में मिलते हैं, यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और दोनों लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेनम, स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स क्या बोलते हैं इसको मीडिया स्टेनम, तो ये क्या है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम इट इज अ स्पेस बिटवीन बोथ लंग्स, और ये वो स्पेस है जहां हमारा हार्ट होता है, क्लियर है बिल्कुल। फाइनली हम ध्यान से देखो, यहां हमने कट एंड ऑफ रिब्स दिखा रखे हैं, जो बता रहे हैं हमारे थोरेसिक चैम्बर का स्ट्रक्चर, लेटरल साइड पर रिब्स होते हैं, ठीक है, और लोअर साइड पर हमने डायफ्राम दिखा रखा है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पर। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ एक प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, ठीक है, एक इनर और एक आउटर। तो प्लूरल मेम्ब्रेन में 2 टाइप के होते हैं, एक पराइटल और एक विसरल, ठीक है, एक विसरल और एक पराइटल। तो पराइटल प्लूरोन होती है, पराइटल का मतलब बाहर की साइड, और विसरल प्लूरोन होती है यानी विसरा मतलब ऑर्गन से जुड़ी हुई। तो दो मेम्ब्रेन होती है ऑलवेज, जो मेम्ब्रेन विसरा से जुड़ी हुई होगी विसरल होगी, विसरल पेरिटोनियम इन केस ऑफ हार्ट, विसरल प्लूरोन इन केस ऑफ लंग्स। ऐसे ही जो बाहर की साइड होगी, समझना, तो उसको बोलते हैं पराइटल। तो ये तो कॉमन टर्म है, कई जगह देखने को मिलेगा विसरल और पराइटल, तो विसरा यानी लंग से जुड़ी हुई। तो यहाँ पर जो जो कवरिंग ऑफ लंग्स होते हैं इनको प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो एक तो होती है विसरल प्लूरोन, एक होती है पराइटल, और दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा होता है बेटा, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूड। प्लूरल फ्लूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, प्लूरल
प्लूरल फ्लूड फ्रक्शन को कम करने का काम करता है और दोनों मेम्ब्रेन के सेपरेशन को भी रोकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और इनके बीच में जो प्रेशर होता है, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, जो ब्रीदिंग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही निगेटिव प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, बताता हूँ आगे। तो ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कौन है? ब्रॉन्क्यूल। और इनमें आगे जो लगे हुए हैं, ये कौन है बेटा? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, यूनिट ऑफ लंग्स। कितने एल्वियोलाई होते हैं बोथ लंग्स में? बोथ लंग्स में मिलाकर के 300 मिलियंस एल्वियोलाई होते हैं बोथ लंग्स के अंदर। उनका सरफेस एरिया अगर हम बात करते हैं तो 8200 मीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेटली 10 फुट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्लियर है, लंग्स का स्ट्रक्चर क्लियर है, कट एंड ऑफ रिब्स, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सुपर 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 कंसेप्ट समझना। ठीक है, अगर अभी हमने बात की थी कि ट्रेकिया बाइफर्केट होती है ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकाई प्राइमरी, ब्रोंकाई सेकेंडरी, टर्शियरी, फिर आगे फर्दर फर्दर डिवीजन होते रहते हैं। जैसे जैसे डिवीजन होते जाएंगे तो ट्रेकिया से बनेगी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई। इससे बनते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्नल ब्रोंक्यूल, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर होते हैं एल्वियोलर डक, जिनमें लगे होते हैं बड़े बड़े एल्वियोलर सैक, जो मिलकर बने होते हैं छोटी छोटी एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि ये एक ब्रांचिंग पैटर्न है, जिसमें जैसे ट्री के अंदर जो ट्रंक होता है उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग पैटर्न बढ़ते जाते हैं थिकनेस क्या होती जाती है? रिड्यूस। तो यहां पर भी ट्रैकिया की थिकनेस सबसे ज्यादा होगी, डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, और एल्वियोलाई का यानी आगे जाते जाओगे तो डायमीटर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो इस पूरे सिस्टम को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है, समझना। ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, इसको तो बोलते हैं हम कंडक्टिंग जोन। अब हमने इसको कंडक्टिंग जोन बोला, क्यों बोला? कंडक्शन का काम करता है, क्योंकि इस पूरी जोन के अंदर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? सिलिएटेड सीडो स्ट्रेटिफाइड, नंबर वन, और बोल सकते हो आपको, ठीक है, कॉल्यूमनार सिलिएटेड। तो ये दोनों भाई क्या है? थिक होते हैं, दोनों ही सिलिएटेड है, तो थिक होते हैं तो डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ओनली कंडक्शन पॉसिबल है। और सीलिया भी साथ में, और भाई कॉल्यूमिनार के अंदर गोबलेट सेल ओनली प्रेजेंट इन कॉल्यूमिनार, या कॉल्यूमिनार का मॉडिफिकेशन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, और किसी में गोबलेट सेल नहीं होते, और गोबलेट सेल म्यूकोसलेजिंग सेल होते हैं। यानी ये जोन ऐसी जोन है जहां से डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, जहां पर सीलिया प्रेजेंट है और जहां पर गोबलेट सेल भी प्रेजेंट है। यानी कंडक्टिंग जोन खास टाइप की जोन है, जो क्या काम करेगी? नंबर वन, कंडक्शन ऑफ एयर, क्योंकि डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, साथ साथ में सीलिया भी लगे, तो सीलिया और म्यूकोसिटी मेम्ब्रेन क्या करेगी? फॉरेन पार्टिकल को ट्रैप कर लेगी, यानी एक तरीके से एयर को क्लीन करने का भी काम कर रही है। म्यूकस की वजह से एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। कभी भी आपने देखा होगा बाहर कितनी भी ड्राइनेस हो, और आप इस तरीके से करते हो तो आपके अंदर से जो एयर आती है वो ह्यूमिडिफाई होती है। क्लियर है, क्योंकि ये कंडक्टिंग जोन ह्यूमिडिफिकेशन का भी काम कर रहा है, और साथ साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाहर का टेम्परेचर कम हो या ज्यादा, बट एयर जब तक ब्लड में ट्रांस डिफ्यूज होती है तब तक एयर का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हो जाता है। यानी कंडक्टिंग जोन एयर के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का काम कर रही है। सपोज ऐसा नहीं होता तो क्या होता? यानी कूल, यानी बहुत लो टेम्परेचर वाली एयर अंदर चली जाती, या हाई टेम्परेचर वाली जाती, तो ब्लड में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और अगर हाई या लो टेम्परेचर वाली एयर जाती तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती, और अगर ऐसा होता तो बॉडी में CO2 का अमाउंट बढ़ जाता, क्योंकि इसका मेन पर्पस होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। और CO2 का अमाउंट बढ़ने से क्या होता? नो डाउट आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता, ठीक है। और CO2 का अमाउंट परमानेंट अगर बढ़ा रहता तो कहीं ना कहीं आपके कार्डिक मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती? रिड्यूस हो जाती। यानी ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस होने का मतलब है आपको शीमिया हो जाता, जो लीड करता है किसको? हार्ट फेल्योर को। जो लीड करता है किसको? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। दिस इज अ वेरी 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 डेंजरस कंडीशन, समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए एटमोस्फेरिक एयर का बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन होना बहुत जरूरी है। इसलिए कंडक्टिंग जोन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये चारों पॉइंट एनसीईआरटी के, ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जबकि अगर मैं रेस्पिरेटरी जोन की बात करता हूँ बेटा, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक है, इसको हम रेस्पिरेटरी जोन बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मेशन है वो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, थिन होते हैं, फ्लैट होते हैं, इजीली डिफ्यूजन हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। तो क्लियर होगा कि कंडक्टिंग जोन को कंडक्टिंग जोन क्यों बोला और रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोला।
बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट और मैं ऐड करता हूँ उसके अंदर। अगर मैं ट्रेकिया से स्टार्ट करूं बेटा, तो ट्रेकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियोल तक मैंने बताया था सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो कौन से सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं? अगर मैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज। तो सी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रेकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियोल तक होते हैं, ध्यान रखना। जबकि रेस्पायरेटरी जोन के अंदर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होते इस जोन के अंदर। तो अब बात आती है सर टर्मिनल ब्रोंकियोल में क्या होता है? टर्मिनल ब्रोंकियोल में सपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो होते हैं बट सी शेप हाइलिन कार्टिलेज नहीं होते, ध्यान रखना। तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर क्लियर हो गए, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू क्लियर हो गए आपको, कंडक्टिंग जोन का फंक्शन क्लियर हो गया और रेस्पिरेटरी जोन का फंक्शन भी क्लियर हो गया। कैसा भी क्वेश्चन आए छूटेगा नहीं आपसे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, तो मैंने बताया ब्रीदिंग है क्या? इट इज अ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मसल्स। कौन कौन से मसल्स? नंबर वन तो बेटा मैंने उसमें बताया था, ठीक है, डायफ्राम मसल्स, और नंबर टू मैंने बताया था इंटरकॉस्टल मसल्स। समझना, अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं, नाम से क्लियर होगा, इंटरकोस्टल यानी दो कोस्टल के बीच मिलने वाली मसल्स, ठीक है, दो रिब्स के बीच मिलने वाली मसल्स। तो ये मसल्स भी टू टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होते हैं इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स, यानी ई आई सी एम और आई आई सी एम। समझना, इंटरकोस्टल दो कोस्टल के बीच मिलने वाली मसल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल कहां पर होता है? ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीथिंग। एक बात तो क्लियर हो गई कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का रोल कहां है, ठीक है, समझना। तो अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं तो इसके केस में क्या होता है? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो इंस्पायरेशन होता है। अगर ये रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है। यानी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने पर डिपेंड करता है। तो अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का काम क्या है? भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? इंक्रीज होता है। रिलैक्स करते हैं वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज होगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन होगा। पर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल मसल्स अलग हो गए, ध्यान रखना। तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या काम करते हैं? ये वॉल्यूम को नॉर्मल से भी कम करते हैं और सपोर्ट किसका लेते हैं? एब्डोमिनल मसल्स का। तो एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का यूज होता है ड्यूरिंग फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो कंसेप्ट क्लियर होगा, अगर नॉर्मल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सॉरी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम मसल्स का यूज होता है, जबकि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का यूज होता है। अब समझना मेरी बात, मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। मान लो ये स्टर्नम है, ठीक है, ये क्या है? स्टर्नम, और ये नीचे यहां हम दिखा रहे हैं डायफ्राम। डायग्राम बहुत अच्छा तो नहीं बनेगा, फोटो बहुत अच्छा बनता है। और ये हमारा थोरेसिक चैम्बर हो गया, समझने की कोशिश करना, ठीक है, और ये हमारे रिब्स हो गए, ये पूरे एक स्ट्रक्चर आ गया। तो अब समझने की कोशिश करना, ये डायफ्राम है, डोम शेप डायफ्राम होता है। जब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो डोम शेप से कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट जैसा हो जाएगा। तो डायफ्राम अगर फ्लैट होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन तो वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज नहीं होगा। तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, क्या? थोरेसिक वॉल्यूम। किस एक्सिस में इंक्रीज हो रहा है? अगर ऊपर एंटीरियर है तो नीचे पोस्टीरियर, यानी अगर डायफ्राम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉल्यूम एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है? इंक्रीज होता है। समझ गए होगे? तो डायफ्राम वाला कंसेप्ट तो समझ में आ जाता है बच्चे के, कि भाई ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये डोम शेप है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा होगा? फ्लैट, फ्लैट होती है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। पर अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो रिब थोड़े से
अप हो जाएंगे, रिफ्स कहाँ पहुंचेंगे, अप, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। समझाता हूँ अभी मैं, रिफ्स भी ऊपर उठते हैं और स्टर्नम भी अप होता है। तो ध्यान रखना, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्टेक्ट करते हैं तो लिफ्ट अप ऑफ रिफ्स एंड स्टर्नम दोनों का लिफ्ट अप होता है, और वॉल्यूम अगेन थोड़े से वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंक्रीज थोरेसिक, ठीक है, वॉल्यूम अब किस एक्सिस में बढ़ रहा है। अब ये ध्यान रखना है आपको, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ रहा है। तो बच्चे के डोर्सो वेंट्रल समझ में नहीं आ रहा, तो समझना डोर्सो वेंट्रल को समझाने के लिए सिंपल कंसेप्ट है, समझने की कोशिश करना। मानो ये बकेट है, बाल्टी, ये सब जानते हो, इसमें एक हैंडल लगा होता है, ये ऐसे ऐसे, मान लो एक हैंडल और जोड़ दो इसे, ऐसे ऐसे, मान लो एक और जोड़ दो, तो तुम्हें समझ रहे हो कि क्या बनता जा रहा है, रिप्स बनते जा रहे हैं। अगर आप एक हैंडल को उठाओगे तो सारे हैंडल उठेंगे, यानी हैंडल को उठाओगे तो हैंडल आगे, तो जो आगे वाला पार्ट स्टर्नम होता है, स्टर्नम को हम बोलते हैं वेंट्रल, और जो हैंडल पीछे की साइड जुड़ा होगा तो यहाँ क्या लगे होंगे, वर्टिब्रल कॉलम लगे होंगे, तो ये क्या हो गया, डोर्सल। तो अगर हैंडल उठेगा, समझना, यानी रिप्स अप होंगे तो किस एक्सिस में होंगे, वेंट्रल और डॉर्सल एक्सिस में होंगे। यानी अगर रिप्स और स्टर्नम लिफ्ट अप होते हैं, कब होते हैं, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो रिप्स और स्टर्नम बोथ लिफ्ट अप होंगे, और लिफ्ट अप होंगे तो वॉल्यूम किस एक्सिस में बढ़ेगा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। यानी जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। क्लियर है? क्योंकि तो और हमारे लंग्स में प्रेशर कैसा प्रेशर होता है, नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब समझते हो, मान लो ये वैक्यूम पंप है, नॉर्मल पंप घर में आप यूज करते हो, इसका आगे वाला पार्ट है, ये आपने बंद कर दिया, इसको बंद कर रखा है, और आपने पिस्टन को खींचा पीछे, पिस्टन को यहां खींच लिया, जब आगे बंद है पिस्टन को पीछे खींचा, तो ये क्या हो गया, वैक्यूम नहीं बन गया, यहां पर क्या बन गया, वैक्यूम बन गया। तो वैक्यूम बनने से यहाँ प्रेशर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव प्रेशर, यानी अगर आप आगे से स्टॉपर को हटाओगे तो एयर तेजी से अंदर एंटर करेगी, अंदर क्यों कर रही है, क्योंकि अंदर नेगेटिव प्रेशर है, आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। तो ऐसे ही फ्रॉग को छोड़ करके, एम्फीबिया में फ्रॉग यानी एम्फीबियस में आ जाओ तो उनको छोड़ दो, तो उनके लंग्स में कैसा प्रेशर होता है, पॉजिटिव, समझाऊंगा, बट मोस्टली एनिमल के केस में लंग्स में कैसा प्रेशर होता है, नेगेटिव। क्योंकि जैसे ही बेबी का बर्थ होता है तो लंग्स एक्सपेंड करते हैं, लंग्स एक्सपेंड क्यों करते हैं, क्योंकि इंट्राप्लूरल प्रेशर नेगेटिव प्रेशर होता है, उसकी वजह से एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होने की वजह से अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो बाहर की एयर कहाँ जाती है, अंदर, जो रेजिडुअल वॉल्यूम को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आफ्टर बर्थ, समझना मेरी बात। तो बाहर की एयर अंदर तभी एंटर कर रही है जब अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर दिया, जो लाइफ टाइम, ठीक है, डेथ से पहले, यानी लाइफ टाइम बर्थ से डेथ तक कंटिन्यू मेंटेन रहता है रेजिडुअल वॉल्यूम, नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, इसी की वजह से हम ब्रीदिंग कर पा रहे हैं। तो मोस्टली एनिमल के केस में नेगेटिव प्रेशर होता है और फ्रॉग के केस में पॉजिटिव प्रेशर होता है। तो ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। अब एनसीईआरटी के डायग्राम पूछे जाएंगे, डायग्राम आपसे, ठीक है, पेपर में छापे जाएंगे, तो आपको क्लियर करना है डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एरो अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझना, एरो अगर अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायफ्राम लोअर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अपर डायरेक्शन में जाने का मतलब है रिप्स और स्टर्नम का लिफ्ट अप, डायफ्राम नीचे जा रहा है यानी फ्लैट हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सटर्नल एयर कहाँ आएगी, अंदर आएगी। एक्सटर्नल एयर अंदर आ रही है मीन्स इंस्पिरेशन हो रहा है। जब एरो कहाँ दिखाएंगे, लोअर साइड, डायफ्राम अपर साइड, यानी डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो एयर कहां जाएगी, बाहर जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो दोनों डायग्राम क्लियर हो गए होंगे। यहां पर रिप्स और स्टर्नम का लिफ्ट अप होता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, और ड्यूरिंग रिलैक्सेशन वापस अपनी नॉर्मल पोजिशन पर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैसे, सिंपल एग्जाम्पल मैंने बताया था कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन एनिमल टू एनिमल वेरी कर सकते हैं, इसलिए फिजिकल प्रोसेस में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी के, जैसे इंसेक्ट में रेस्पायरेटरी ऑर्गन आप जानते हो ट्रेकिया, स्कॉर्पियन के अंदर स्कॉर्पियन, बुक लंग्स होते हैं, बुक गिल्स नहीं होते, फिश के अंदर गिल्स होते हैं, स्किन नहीं होती, लिम्यूलस, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल, इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स नहीं होते। क्लियर है? बिल्कुल, तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट में आप ओनली ए लगाने वाले हो। नेक्स्ट, जैसे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगर टाइम होता तो मैं आपसे पूछता, लाइव इंटरेक्टिव क्लास होती तो सारे क्वेश्चन मैं आपसे पूछता फिर, ठीक है, बड़ा मजा आता, बट आप समझने की कोशिश करना। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, जैसे इन स्पॉन्ज एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड सीओ टू अकर बाय द सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सर्फेस। यस, इनिशियल एनिमल थे, जनरल बॉडी सर्फेस से एक्सचेंज होता था, ठीक है, स्पॉन्ज के केस में ऐसा होता है। अर्थवॉर्म गैसियस ट्रांसपोर्ट अकर विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आरबीसी,
अब ये आप जानते हो कि अर्थवॉर्म में आरबीसी एब्सेंट होते हैं। कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो ब्लड का कलर रेड होगा या कलरलेस? रेड होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहां पर होता है? प्लाज्मा में, डिजोल्व फॉर्म में होता है। तो अब यहां आरबीसी दे रखे हैं, तो क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया, पहला वाला राइट है। इन मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्थोपोड गैसेस एक्सचेंज अकर थ्रू गिल्स। ऑर्थोपोड क्या? अगर एक्वेटिक टर्म आ गया तो रेस्पिरेशन का एक ही प्रोसेस है, गिल्स। आंखें बंद करके ध्यान रखना, ठीक है? तो इन मोस्ट ऑफ द राइट, एम्फीबियंस कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन बट सम हैव गिल्स ऑल्सो। यस, एम्फीबिया में तो आप समझते हो, पर एम्फीबिया का जो लार्वा होता है टैडपोल, उसमें तो गिल्स होते हैं, राइट? तो ए, सी और डी, ये तीनों क्या हैं? राइट हैं, ठीक है? तो कितने ऑप्शन आएगा? थर्ड। हाउ मेनी ऑफ द गिविंग गिविन स्टेटमेंट इज आवर राइट? करेक्ट, तो आप बोलोगे थ्री। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज अ डायग्रामेटिक व्यू ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। चूज द ऑप्शन विच करेक्टली डिस्क्राइब द लेबल स्ट्रक्चर। आप डायग्राम तो समझ ही चुके हो, ठीक है? ए क्या दे रखा है? एपिग्लॉटिस। अब देखो इन्होंने क्या दिखा रखा है, ए में क्या दिखा है? एपिग्लॉटिस, राइट है। अब आगे क्या क्या दे रखा है? क्या एपिग्लॉटिस प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इन टू विंड पाइप? यस, मैंने बताया था अभी। लैरिंग्स इज अ बोनी बॉक्स? नो, लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजनस बॉक्स। कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, नाइन कार्टिलेज होते हैं, थ्री पेयर थ्री अनपेयर, तो ये रॉन्ग हो गया। सी क्या दिखा रखा है? सी देखो, ट्रैकिया, बिल्कुल राइट, ट्रैकिया है। ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब, यस, एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल ठीक, नीचे अप टू मिड थोरेसिक कैविटी एक्सटेंड करती है, ठीक है। डी, डी देखो, डी क्या दिखा रखा है? डी एरा, डी तो प्लूरल मेम्ब्रेन है, बट यहाँ क्या दे रखा है? कट एंड ऑफ रिब्स, तो कट एंड ऑफ रिब तो क्या है? जी, तो ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया अगेन, ठीक है, ये वाला पार्ट रॉन्ग है। अब देखो ई क्या दिखा रखा है? ई, ई में ध्यान से देखो, ई क्या है? ई तो एल्वियोलाई है। अब ध्यान से देखो, ई एल्वियोलाई है, बिल्कुल ठीक। थिन होते हैं, रेगुलर वॉल, इरेगुलर वॉल क्यों? क्योंकि ये किससे मिलके बने होते हैं? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल, जो कैसे होते हैं? टेसिलेटेड। टेसिलेटेड का मतलब क्या होता है? इरेगुलर वॉल, चिक जैक, समझ रहे ना, वेवी अपीयरेंस। एंड वैस्कुलर वैग, वैस्कुलर वैग का मतलब है हाईली वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, क्योंकि यही तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब ध्यान से देखो, एफ, एफ कहां दे रखा है? एफ, एफ क्या है? ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस है, ठीक है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस है। ट्रैकिया डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा टू फॉर्म ब्रोंकाई, बिल्कुल अभी हम डिस्कस करके चले हैं, तो थर्ड एकदम क्लियर है। प्लूरल मेम्ब्रेन कवरिंग ऑफ लंग्स, देखो जी गलत हो गया, कट एंड ऑफ रिब्स है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है, यहां भी रॉन्ग, तो ओनली कौन सा राइट है? थ्री, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, ये यहां पर द है, ठीक है, एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय एंड लेटरली बाय। अब समझना, डॉर्सल साइड पर क्या होती है हमारी? बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल साइड पर क्या होते हैं हमारे? वेंट्रल साइड पर स्टर्नम, और लेटर साइड पर क्या होते हैं हमारे? रिब्स। तो अब इसने क्या पूछा है? डॉर्सली पूछा है और लेटरली पूछा है, तो आप जानते हो डॉर्सल साइड पर तो वर्टिब्रल कॉलम होंगे और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होंगे, और लेटर साइड पर जोड़ने के लिए क्या होंगे यहाँ पर? रिब्स। क्लियर हो गया होगा। और नीचे ऊपर अगर ऊपर एंटीरियर तो नीचे क्या होगा? पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड पर क्या लगा होगा? डायफ्राम, जिसकी वजह से एयर टाइट थोरेसिक चैम्बर बनता है, इसको बोलते हैं क्या? ठीक है, सॉरी, इसके अब यहां पूछा क्या है उन्होंने? ए और बी, तो ए में आप क्या लगाने वाले हो? वर्टी, तो गलत हो गया। ए में क्या लगाने वाले हो? बैकबोन। और बी में क्या लगाने वाले हो? रिब्स, क्योंकि इसने पूछा क्या है? डॉर्सल और लेटरल। आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बात तो ध्यान रखना, अगर वो थोरेसिक चैम्बर की बात करता है, समझना, ठीक है, तो डायफ्राम को जोड़ोगे, और थोरेसिक केज की बात करता है तो डायफ्राम को हटा देना, तो केज बन जाता है। इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग सपोर्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक को छोड़ दो, किसको सपोर्ट नहीं करते? ट्रैकिया को करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकियल को करते हैं, इनिशियल ब्रोंकियल को करते हैं, पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल में नहीं होते। How many of the following structure are common in left and right lungs of human? Common, मैंने कहा था क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, कॉमन भी पूछेगा स्पेसिफिक भी पूछेगा। तो कॉमन में आप जानते हो हॉरिजॉन्टल फिशर ओनली प्रेजेंट इन राइट लंग्स, कॉमन नहीं है। ऑब्लिक फिशर बोथ में प्रेजेंट होता है, कॉमन है। कार्डिक नोच ओनली लेफ्ट में होती है, कॉमन नहीं है। प्रेजेंस ऑफ लोब्स दोनों में होते हैं, तो कितने पॉइंट कॉमनली दोनों में मिलते हैं? हॉरिजॉन्टल फिशर एंड प्रेजेंस ऑफ लोब्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फॉलोइंग डायग्राम, डायग्राम की बात चल रही है, डायग्राम रिलेटेड टू मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सेप्ट। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना, पूछा क्या है? एक्सेप्ट यानी एक को छोड़ के, ठीक है।
तो अब डायग्राम पता है, समझना डायग्राम क्या बोल रहा है। रिब्स कहाँ आ रहे हैं? नीचे। डायफ्राम कहाँ जा रहा है? ऊपर। इन डायफ्राम क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स हो रहे हैं, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, और इंटरनल एयर कहाँ मूव करेगी? धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज होगा और एयर बाहर, यानी इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। क्लियर है? तो अब क्या बता रहे हैं, फर्स्ट में देखो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक इंक्रीज ना, ये क्या हो रहा है? डिक्रीज। रिब्स एंड स्टर्नम क्या हो रहे हैं? राइज कर रहे हैं ना, डाउन जा रहे हैं। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, रिलैक्स कर रहा है। तो डायफ्राम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है। एंड आर्स, बिल्कुल सही, आर्क भी बन रही है। अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड भी हो रहा है। ठीक है, रेस्ट रिप्रेजेंटिंग एक्सपायरेशन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सपायरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कौन सा राइट हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वुलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन रेट मैंने बताया था, डिफ्यूजन रेट को इफेक्ट करने वाले नंबर ऑफ फैक्टर कितने थे? थ्री। ठीक है, तो अब आ जाओ, डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मतलब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा ना घटेगा? इनवर्सली बताया था मैंने बेटा, तो क्या हो गया? रॉन्ग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस, यस, अगर सॉलिबिलिटी बढ़ाओगे तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, बताया था मैंने। आगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, अभी भी बताया है, बिल्कुल इनवर्सली होता है। तो क्या हो जाएगा? बोथ टू एंड थर्ड, यस, बोथ टू एंड थर्ड। नेक्स्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल, अगर इस डायग्राम के सारे प्रेशर को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं एटमोस्फेरिक की प्रेशर की बात करता हूं, एटमोस्फियर में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? 159 mmHg। और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? CO2 का होता है 0.3 mmHg। ये वो एयर है जो आप इंस्पायर कर रहे हो, समझना। पर ये जो पार्शियल प्रेशर अंदर आकर के ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा? 104। और CO2 कितना हो गया? 40 mmHg। यानी अंदर आते आते पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है और CO2 का इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीजन का रिड्यूस हो रहा है, CO2 का इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन कंटिन्यू डिफ्यूज हो रही है, CO2 कंटिन्यू रिलीज हो रही है, ये एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं। फिर यहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होकर के कैसा ब्लड बनेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो किसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा? पल्मोनरी वेन। ब्लड कैसा होगा यहां पर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होगा? ध्यान रखना, ऑक्सीजन का यहां पर आ जाएगा 95 और CO2 का पार्शियल प्रेशर यहां पर हो जाएगा 40। यानी यही पार्शियल प्रेशर कहां पर होगा? ये जो दिख रही है सी, ये क्या है? ये सिस्टमिक आर्टरी है। तो सिस्टमिक आर्टरी में भी पार्शियल प्रेशर सिमिलर ही होगा, क्योंकि अभी तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं है। ये ब्लड यहाँ से हार्ट में गया, हार्ट से घूम करके सिस्टमिक आर्टरी में आया। सिस्टमिक आर्टरी इस ब्लड को कहाँ लेके आ रही है? टिश्यू के पास। टिश्यू में आप जानते हो कंटिन्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है, मींस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ क्या होगा? कम। कम कितना? 40 mmHg। CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, मींस कितना? 45। इजिली डिफ्यूजन हो जाएगा। डिफ्यूजन होने के बाद जो ब्लड बनेगा ये कैसा होगा? इसको क्या बोलेंगे? सिस्टमिक वेन। तो सिस्टमिक वेन के अंदर बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो ऑक्सीजन का यहां पर क्या होगा वेन में? कम होगा, 40। CO2 का ज्यादा होगा, 45। यानी सेम पार्शियल प्रेशर यहां कहां पर होगा? आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी में भी पार्शियल प्रेशर सिमिलर ही होगा। फिर आप बाद में क्या कर रहे हो? फिर अगेन एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज होकर जो एयर को बाहर निकाल रहे हो, इस एयर के अंदर जो इसका एक्सपायरेशन कर रहे हो, उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बेटा 116 mmHg और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 32 mmHg। तो एक बात क्लियर हो गई कि अंदर से, समझना, बाहर से अंदर जाते जाते ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता जा रहा है और अंदर से बाहर आते आते CO2 का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर कट समझ में आ रहा होगा सारे पॉइंट? ये अगर आपको ध्यान है तो कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता। ठीक है, परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो एटमोस्फियर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है? 21%। और जो आप एयर बाहर रिलीज कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है? 16%। तो एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन में कितना परसेंट ऑक्सीजन हम ट्रांसपोर्ट करते हैं? समझना, हम वही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसको हम एक्सपायर कर रहे हैं। तो जो हम ऑक्सीजन निकालते हैं बेटा उसमें 16% ऑक्सीजन होती है, ले रहे हैं उसमें 21, तो निकाल रहे हैं 16, यानी 20 का 16% कितना परसेंट हो गया? यानी भाई 20 में से 15 मान लो आप निकाल रहे हो तो 75% निकाल रहे हो। ओनली आप जो एयर ले रहे हो उसका 25% ही यूटिलाइज कर रहे हो ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। समझ में आ गया होगा कंसेप्ट?
अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझना मेरी बात, ऐसे याद रखना, अगर ऑक्सीजन का रिड्यूसिंग क्रम में पूछे तो, और CO2 का रिड्यूसिंग में पूछे तो ऑक्सीजन कहां से रिड्यूसिंग होगी, एटमोस्फियर से टिश्यू तक। तो अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं, समझने की कोशिश करना, ऑक्सीजन कहां से कहां बेटा, एटमोस्फियर टू टिश्यू। तो ऑक्सीजन एटमोस्फियर में कितना है, 159, फिर लंग्स में आके कितना हो जाएगा, 104, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना हो जाएगा, 95। आगे बढ़ो, फिर ऑक्सीजनेटेड का टिश्यू में कितना रह जाएगा, ओनली 40, रिड्यूसिंग ऑर्डर हो गया। ऐसे CO2 का, तो CO2 का रिड्यूसिंग ऑर्डर कहां से कहां होगा, टिश्यू से। एटमोस्फियर उल्टा कर दो, अंदर प्रोड्यूस हो रही है। तो अगर मैं बात करता हूँ CO2 की, तो टिश्यू में कितनी होती है, 45। अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितनी होगी, 45। लंग्स में कितनी होगी आकर के, 40। जो एयर आप एक्सपायरेशन कर रहे हो उसमें कितनी होगी, 32। और एटमोस्फियर में कितनी होगी, 0.3। कंटिन्यू रिड्यूसिंग ऑर्डर, कोई क्वेश्चन बच ही नहीं सकता आपसे, सुपर 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 कंसेप्ट। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोल कहना चाह रहा है वो, विच ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ए बी सी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछना चाह रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसका पूछ रहा है, नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का लेवल पूछ रहा है NMMHg, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर देखो, ए कहां दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी कहां दे रखा है, बी ये दे रखा है, सी कहां दे रखा है, सी ये दे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। तो सबसे कम देखो कहां पर है, सबसे कम किसमें, ए में, तो सबसे कम है ए में, फिर उसके बाद किसमें है, आगे बढ़ो, उसके बाद CO2 का लेवल कहां बढ़ रहा है, 32, 32 के बाद 40, सी में आया, सी के बाद फिर और से ज्यादा कहां आया, 45, बी में आया, यानी ACB सेकेंड। एनी डाउट, क्वेश्चन कैसा भी क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर पाओगे। सेम आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोलाई, ठीक है, एटमॉस्फियर एयर एंड टिश्यू, आप समझ गए, एल्वोलाई में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, एल्वियोलाई 40, ठीक है, एटमॉस्फियर में 0. हो गया, टिश्यू में 45। फिर अगेन आ गया, फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ, ठीक है, अ सेक्शन ऑफ एन एल्वोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी, ये पल्मोनरी कैपिलरी है, ये एल्वियोलाई है, ये एक्स दे रखा है, ये वाई दे रखा है, ये जेड दे रखा है, और ये डब्ल्यू दे रखा है। एक्स आप जानते हो कैसा ब्लड है, डी ऑक्सीजनेटेड, वाई क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जेड क्या है, दोनों के बीच का स्पेस, समझ, दोनों के ब्लड और एल्वियोलाई के बीच का स्पेस, डब्ल्यू क्या है, आर बी सी, पूछ क्या रहा है वो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लेबल्ड स्ट्रक्चर एक्स, एक्स में पार्शियल प्रेशर पूछ रहा है। आप जानते हो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका ऑक्सीजन का पूछ रहा है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 40, और CO2 का कितना होता है, 45, आपको पता है पहले ही, कैसे भी क्वेश्चन आए तो क्या हो जाएगा, 40, क्लियर है बिल्कुल। हाउ मेनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैव बॉन्ड विद द अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, समझना बात किसकी कर रहा है, ये ए नहीं अल्फा है लिखा है इस तरीके, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आप जानते हो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हीम और ग्लोबुलिन प्रोटीन से होता है, और ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 4, 2 तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड होते हैं इसके अंदर, जिनके COOH ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हर पॉलीपेप्टाइड के दो टर्मिनस होते हैं, एक एन टर्मिनस, एक सी टर्मिनस। सी टर्मिनस का मतलब है जिसका सी यानी कार्बो, सी डब्ल्यू एच ग्रुप जहां फ्री होगा, एन टर्मिनस जहां पर इसका NH2 फ्री होगा, यहां पर क्या है इसका NH2 फ्री है। ऐसे ही ये तो कौन सी चेन हो गई, अल्फा, ऐसी दो चेन और होती हैं बीटा, अगेन टू चेन क्या होंगी, बीटा, कंसेप्ट ध्यान रखना, टू अल्फा एंड टू बीटा। बीटा चेन में भी सेम वही कंडीशन होगी, NH2 क्या होगा, फ्री होगा, NH2 क्या होगा, फ्री होगा। तो ये तो हो गई ग्लोबुलिन प्रोटीन, अब इसमें कौन जुड़ा होता है, हीम। अगर मैं हीम की बात करता हूं तो हीम का आयरन रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, आयरन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, Fe2 पॉजिटिव में, आयरन को Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव एंड Fe2 पॉजिटिव। तो अब आपसे ध्यान रखना कि टू अल्फा है टू बीटा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखना आयरन से तो बाइंड करती है ऑलवेज ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट क्या है, हीमोग्लोबिन में हीम, हीम में भी क्या आयरन, और CO2 की बाइंडिंग साइट ग्लोबुलिन प्रोटीन, अब प्रोटीन में भी क्या NH2, यानी CO2 की बाइंडिंग साइट हीमोग्लोबिन में अलग होती है और ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट अलग होती है, ध्यान रखना दोनों की बाइंडिंग साइट अलग अलग है, बट एक बार में दोनों बाइंड नहीं कर सकते, अगर CO2 बाइंड कर गई तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग साइट चेंज हो जाएगी, और ऑक्सीजन बाइंड करके तो CO2 की बाइंडिंग साइट चेंज हो जाएगी, ठीक है। बट कई बच्चे पूछते हैं सर RBC में तो ऑक्सीजन भी होती है और CO2 भी होती है, तो एक RBC में एक हीमोग्लोबिन नहीं होता, एक RBC में मिलियंस मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के होते हैं, क्लियर है,
एक हीमोग्लोबिन एक बार में या तो ऑक्सीजन से बाइंड करेगा या CO2 से बाइंड करेगा, यानी इसमें चार यानी फोर तो NH2 है, इसमें फोर ही आयरन है, यानी एक हीमोग्लोबिन एक बार में या तो फोर ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है या फोर CO2 से। अब अल्फा की बात कर रहा है तो एक अल्फा कितने से बाइंड करेगी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, टू, मतलब अल्फा टू ऑक्सीजन और बीटा अगेन टू ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंडिंग समझना, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, पीएच पर भी डिपेंड करती है, CO2 कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करती है, ठीक है, P50 वैल्यू पर भी डिपेंड करती है, बहुत सारे फैक्टर हैं, पर प्राइमरली किस पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही नहीं है तो बाइंडिंग किससे करेगा, समझ रहे ना मेरी बात, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बताया भी था हमने, मैमल्स हैव नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, पूछ क्या रहा है, इसने पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको स्टडी करना है करेक्ट और इनकरेक्ट को निकालना है, तो पहले अंडरलाइन कर लिया करो, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट, तो फर्स्ट तो करेक्ट है क्योंकि मोस्टली मैमल्स के लंग्स में नेगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। द इम्पल्स फ्रॉम सॉरी इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री ब्रीदिंग, आप पूछ ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, वो वॉलेंट्री ब्रीदिंग पूछ रहा है, इनवॉलेंट्री नहीं पूछ रहा, हम ध्यान रखना, हम एक तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं और एक अनकॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री आर सेंड बाय मेडुला ऑब्लोंगेटा, समझाना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना, मान लो ये हमारा सेरिब्रम है, कौन है सेरिब्रम, और ये हमारा है मेडुला ऑब्लोंगेटा MO, तो ध्यान रखना जो एक्चुअल में हमारा ब्रीदिंग सेंटर है या हमारा जो रिदिम सेंटर है या हमारा जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाला है वो तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है, ध्यान रखना, इट इज अ रेस्पिरेटरी रिदिम सेंटर। इसके भी दो पार्ट होते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल, ठीक है, जो वेंट्रल वाला पार्ट होता है वो फोर्सफुल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, जो डॉर्सल वाला पार्ट होता है वो नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, क्लियर है, और नॉर्मल ब्रीदिंग में भी ध्यान रखना है आपको कौन से मसल्स यूज हो रहे हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, और उसमें भी स्केलेटल मसल्स यूज हो रहे हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर, तो अगर हम समझना मेरी बात, तो कहीं ना कहीं करता तो मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है, पर अगर हम ब्रीदिंग कंट्रोल की कॉन्शियस ब्रीदिंग की बात करते हैं तो कॉन्शियस ब्रीदिंग में रोल आ जाएगा सेरिब्रम का, तो सेरिब्रम जुड़ा हुआ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, तब मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारी ब्रीदिंग को, कौन सी ब्रीदिंग को, वॉलेंट्री ब्रीदिंग को, समझना, तो वॉलेंट्री ब्रीदिंग जब भी टर्म आ गया, वॉलेंट्री ब्रीदिंग कंट्रोल बाय विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रम, और इनवॉलेंट्री या अनकॉन्शियस ब्रीदिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्योंकि आप भाई कितने टाइम वॉलेंट्री ब्रीदिंग करते हो, बहुत कम टाइम, ठीक है, मोस्टली आप कैसी इनवॉलेंट्री बिना सोचे समझे ब्रीदिंग करे ही जा रहे हो, इनवॉलेंट्री, तो वो कौन कर रहा है, रिदिम सेंटर मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटा ऑटोमेटिकली, इसकी मैकेनिज्म अलग है डिटेल में, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, पर जहां वॉलेंट्री टर्म आ गया तो आंखें बंद करके आप सेरिब्रम लगाएंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा नहीं लगाएंगे, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब आ जाओ, द ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोन्का है एंड इनिशियल ब्रोन्कियोला सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग, प्राइमरी में होती है, सेकेंडरी में होती है, टर्शरी में होती है, ब्रोन्काई में होती है, इनिशियल ब्रोन्कियोल में भी होती है, टर्मिनल ब्रोन्कियोल में नहीं होती, राइट, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेंस इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, समझना, ये बोल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, क्या सही है ना, समझाता हूं मैं, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लो, एक फ्लो डायग्राम होता है इस तरीके से, कंसेप्ट कभी गलत नहीं होगा, तो ये वाला है टाइडल वॉल्यूम, आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, तो ये क्या है, टीवी, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, टाइडल के बाद एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, और आप इसको भी रिलीज कर दिया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल के बाद आप निकाल रहे हो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम आपके लंग्स में रह जाता है, जो रह जाता है वो है रेजिडुअल वॉल्यूम ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, इसको आप निकाल नहीं सकते, ऑलवेज प्रेजेंट है, समझ रहे हो ना, बर्थ से डेथ तक कंटिन्यू प्रेजेंट होता है ड्यू टू नेगेटिव प्रेशर, तो अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स इवन
आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आपने फोर्सफुल निकाल दिया, फिर भी जो रह गया, वो जो रह गया वो क्या, रेजिडुअल, पर बोल क्या रहे हैं यहाँ पर, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट कितने, टू, आंसर क्या आ जाएगा, टू। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये सुपर 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 कंसेप्ट, फिर से कंसेप्ट आया इसमें, लगभग 12 क्वेश्चन तक बनते हैं इस कंसेप्ट से, तो मैंने बड़ा सुपर तरीके से समझाने की कोशिश की है, समझने की कोशिश करना। बेसिक तो कंसेप्ट आपको पता है कि पर 100 ml ऑफ ब्लड एक हेल्दी ह्यूमन में कितना हीमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी 1.43 ml, तो 15 की कितनी होगी, 15 × 1.34 ml यानी 20 ml। तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में है, 100 ml में, तो ऐसे भी बोल सकते हो, पर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 20 ml। यानी एक कंसेप्ट क्लियर है कि 100 ml ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो 20 ml है। अब देखो समझ में आएगा। अब कंडीशन दो बनती है, एक तो ध्यान रखना है ड्यूरिंग रेस्टिंग, जब भी क्वेश्चन आएगा तो पूछेगा वो रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा है या ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, तो बस ये ध्यान रखना है फर्स्ट बात, ठीक है। अब समझना, यहां जो मैंने सेंटर में दिखाई है बेटा, ये सेल है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, ये क्या है, यहां लिख देता हूं मैं सेल। अब सेल में क्या होता है, अब सेल में जानते हो C6H12 का ऑक्सीडेशन चल रहा है, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। कंडीशन दो है बेटा, एक तो ड्यूरिंग रेस्टिंग और ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज। जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई होती है, लो, बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट लो होती है, इसलिए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन कम होगा या ज्यादा, कम। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन अगेन कम, CO2 का फॉर्मेशन भी क्यों हुआ, कम। जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कम होता है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम होता है, CO2 का फॉर्मेशन भी कम होता है, समझ में आ गया होगा। और जब एक्सरसाइज करते हो तो सब चीजें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो CO2 का फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगा। तो एक बात समझ में आ गई, हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टिंग और स्ट्रेनस एक्सरसाइज। रेस्टिंग कंडीशन में सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है वो कम होती है और एक्सरसाइज के टाइम पर बढ़ जाती है। अब समझना, यहां हमने ट्रक बनाया है, ट्रक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लड को, तो एक पाथ के थ्रू जा रहा है, पाथ मतलब क्या है, आर्टरी, तो आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड की फॉर्म में आर्टरी के थ्रू ट्रेवल करता है तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग करने की कैपेसिटी कितनी बताई थी मैंने अभी, 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी 20 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड होगी। यानी ये ट्रक 20 ml पर 100 ml, सारा कंसेप्ट पर 100 ml है, ध्यान रखना ये 20 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड के हिसाब से ऑक्सीजन को लेके जा रहा है आर्टरी के थ्रू। अब ये आ गया नियर द, कहाँ गया, नियर द सेल। जब आ गया तो सेल कंडीशन क्या है, रेस्टिंग, तो रेस्टिंग कंडीशन में CO2 ज्यादा बन रही है, कम, कम बन रही है, तो कम CO2 की लोडिंग होगी। फर्स्ट का मतलब है पहले CO2 की लोडिंग होती है, ये CO2 क्या करती है, क्योंकि ट्रक के अंदर क्या आई है, HbO2 यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के संग जुड़ के आई है, तो ऑक्सीजन कभी भी हीमोग्लोबिन को छोड़ना नहीं चाहती, मतलब इनका डिसोसिएशन नहीं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होना नहीं चाहती, पर CO2 तो चाहती है, तो CO2 आती है इनके बीच में डिसोसिएशन करती है, समझना। तो जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो कितना CO2 की लोडिंग होती है, तो मैंने लिख दिया नीचे, लोडिंग ऑफ CO2 हो रही है 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, सारा कंसेप्ट पर 100 ml पे ध्यान रखना। तो कितना ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी, 5 ml, 20 में से 5 ml, मतलब 25% की अनलोडिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो कितना HbO2 का डिसोसिएशन हुआ, 25%, यानी जब रेस्टिंग कंडीशन होती है तो पर 100 ml ऑफ ब्लड 25% हीमोग्लोबिन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन कितना ऑक्सीजन सेल में या टिश्यू में एंटर करती है, 25%, यानी 5 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड। कितना CO2 की लोडिंग होती है पर 100 ml ऑफ ब्लड, 4 ml CO2 की लोडिंग होती है। तो ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना बची, अब 20 में से 5 जाएगी तो 15 ml, यानी 75%, और CO2 कितनी आ गई, 4 ml। तो इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन CO2, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन कितना ऑक्सीजन की लोडिंग, कितना CO2 की, समझना, CO2 की लोडिंग, ऑक्सीजन की अनलोडिंग, और कितना HbO2 का डिसोसिएशन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, CO2 का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, तो लोडिंग अनलोडिंग भी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा, बस ध्यान रखना, जहां 4 था तो अब क्या हो जाएगा, 14, यहाँ 5 था ऑक्सीजन का तो अब कितना हो जाएगा, 50। सिंपल कंसेप्ट, ट्रक वही है, यानी पर 100 ml ऑफ ब्लड 20 ml ऑक्सीजन ही लेके आ रहा है थ्रू आर्टरी, आ गया ट्रक,
आ गया तो अब क्या होगा, CO2 ज्यादा है तो ज्यादा CO2 क्या करेगी, ज्यादा HBO2 का डिसोसिएशन करेगी। ज्यादा कितना भाई, CO2 कितनी आ रही है 14 ml, तो कितना HBO2 को डिसोसिएशन होगा 75%, 20 में से 75% डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी कितना हो गया 15 ml, तो कितना डिऑक्सीजनेट ब्लड में रह गया 5 ml, और CO2 कितनी आ गई 14 ml। तो बस तुम्हें बस आपको ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग ज्यादा होती है तो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर CO2 अमाउंट तो बढ़ जाएगा, बट ऑक्सीजन अमाउंट कम हो जाएगा। कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा लगभग, ठीक है, 10 to 12 क्वेश्चन इसी डायग्राम से बनते हैं, तो मैंने एक सुपर कंसेप्ट बनाया है जो आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैपेबल होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है, एवरी 500 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली, तो आप जानते हो कितने ml CO2 की बात कर रहा है, एल्वोलाई। कंडीशन ध्यान रखना, सबसे पहले कंडीशन ढूंढनी है, कंडीशन रेस्टिंग बोल रहा है या स्ट्रेनस, और कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो आप उसको रेस्टिंग मान के चलोगे, ठीक है। तो रेस्टिंग कंडीशन के अंदर एल्वोलाई से लंग्स में कितना CO2 जाता है, यानी कितना CO2 की एल्वोलाई से लंग्स में, समझना कितना जा रहा है CO2, तो मैंने बताया था 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ये मैं बता चुका हूं आपको, पर ये पर 100 ml ऑफ ब्लड की बात कर रहा है, पर पूछ कर रहा है पर 500, तो 5 टाइम्स इसको भी बढ़ा दो, 4 किया क्या हो जाएगा 500 कर दो, 4 × 5 = 20, मीन्स 20 ml, समझ गए होगे। बस डेटा चेंज होगा, कंसेप्ट हर जगह वही लगेगा। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी डिलीवर्ड बाय 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू मसल्स परफॉर्मिंग स्ट्रेनस वर्क, यानी कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है, समझना स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है तो मसल्स में एनर्जी रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाएगा, और बताया था ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज पर 100 ml ऑफ ब्लड से कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है 5 ml, कितने से पर 100 ml ऑफ ब्लड, तो 20 में से कितना चला गया 5 चला गया, पर अब 100 की जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर 1000 कर दिया, तो 5 की जगह क्या कर दोगे आप, समझना, तो यहाँ पर भी आप समझना कि नॉर्मल केस में कितना टिश्यू ले रहा है 5 ml ले रहा है, तो जब आप 100 का केस होगा तो 5 लेगा, तो 1000 का होगा तो कितना होगा 50, समझ गए होगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50 ml। अब समझ रहे हो ना मेरी बात, क्योंकि 100 के केस में 5 था तो 1000 केस में 50 हो जाएगा, मसल्स में ड्यूरिंग एक्सरसाइज। अच्छा रुको रुको रुको, ये नॉर्मल कंडीशन होगी, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पर 5 ml नहीं लेता, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पर कितना लेगा 15 ml लेगा, क्लियर है, तो कितने केस 15 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, क्लियर है बिल्कुल। अब एक्सरसाइज के टाइम पर कितना एमएल ब्लड की बात कर रहा है 1 लीटर, तो 15 का कितना हो जाएगा 150, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, रेस्टिंग की नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है स्ट्रेनस, तो ध्यान रखना है जल्दीबाजी नहीं, स्ट्रेनस पूछ रहा है या रेस्टिंग पूछ रहा है, स्ट्रेनस पूछ रहा है तो 150 पर लीटर के हिसाब से, और रेस्टिंग पूछ रहा होता तो कितना हो जाता 51 लीटर के हिसाब से, कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसमें क्वेश्चन बनता है HBO2 डिसोसिएशन कर्व, इसको सिग्मोइड कर्व भी बोलते हैं, इसको बोहर इफेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन के बारे में बोहर साहब ने समझाया था, ठीक है, समझना, ये कर्व ने दो चीजों के बीच में ड्रॉ किया है बेटा, एक तो पार्शियल प्रेशर ऑफ परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ HBO2, और इधर लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन MMHg, समझना एक बार बेसिक समझाना चाह रहा हूं। मान लो ये हीमोग्लोबिन है, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन किससे बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन से, तो 4 मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन से, एक बाइंड करेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल तो कितना परसेंट सेचुरेशन हुआ 25%, एक मॉलिक्यूल और बाइंड किया 50%, एक मॉलिक्यूल और बाइंड किया 75%, एक मॉलिक्यूल और बाइंड किया 100% हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो चुका है। अगर मैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और बढ़ाना चाहूं तो क्या सेचुरेशन और होगा, नो, अब सेचुरेशन नहीं होगा, यानी सेम अगर बीकर में एंजाइम पड़े हुए हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है, पर कब तक, जब तक कि एंजाइम सबस्ट्रेट के संग 100% क्या ना हो जाए सैचुरेट, आफ्टर सैचुरेशन कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा देना एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसीलिए वहां पर भी एशेप कर बनता है, यहां पर भी, यानी जैसे जैसे आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जा रहा है, पार्शियल प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते
परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता जा रहा है, पर एक टाइम ऐसा आएगा उसके बाद कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा देना सेचुरेशन नहीं होगा। समझ में आ गया होगा। तो हम क्या समझाना चाह रहे हैं, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि 50% 40 है तो यहाँ मान लो 50, यहाँ मान लो 15, मैं कहूँ कि 50, ये 15 मान लो, 15% सेचुरेशन, मैं कहूँ कि 15% सेचुरेशन किस पार्शियल प्रेशर पर होता है। तो 15% सेचुरेशन अप्रोक्सीमेटली होगा, यहाँ हम लिख देते हैं 25 से लेकर के 26। अगर आप ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 25 to 26 mmHg कर देते हो तो 50% हीमोग्लोबिन आपका क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। इसी को बोलते हैं P50 वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, P50 वैल्यू। इट इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड, यानी ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जिस पर 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड मतलब संतृप्त हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। पर मान लो ये कर्व किसी कारण से थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट हो गया, समझ में, कहाँ शिफ्ट हो गया, राइट साइड, यहां से शिफ्ट यहां हो गया, तब P50 वैल्यू क्या होगी भाई, पहले 50 में यहां आ रही है तो P50 वैल्यू अब यहां आएगी, यानी P50 वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज, इंक्रीज हो गई है। मान लो किसी कारण से ये कर्व राइट की जगह कहां शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, मान लो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ठीक है। अगर ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो अब P50 वैल्यू कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। अगर P50 वैल्यू यहाँ पर आ रही है तो बढ़ रही है घट रही है, ये P50 घट रही है, यानी अगर ये कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू रिड्यूस होगी, राइट साइड शिफ्ट होता है तो P50 वैल्यू इंक्रीज होगी। समझना, तो हम इधर लिखते हैं राइट, और ये क्या शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट। अब समझना, अगर कर्व राइट शिफ्ट होता है तो ये अनफेवरेबल कंडीशन होती है, समझना, और अनफेवरेबल कंडीशन में ऑलवेज HbO2 का डिसोसिएशन होता है। यही बात बोली थी बोहर साहब ने, सो इट इज कॉल्ड बोहर इफेक्ट। तो बोर इफेक्ट क्या है, अगर कोई भी ऐसा फैक्टर जो इस कर्व को राइट साइड शिफ्ट कर देगा तो HbO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, समझना, यानी बोर साहब ने बोला था कि HbO2 का डिसोसिएशन डिपेंड करता है एच आयन और CO2 कंसंट्रेशन पर। अगर बॉडी के अंदर एच आयन कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो एसिडिक मीडियम हो जाएगा, और जहां CO2 ज्यादा होती है वहां ऑटोमेटिकली एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इसीलिए तो आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होती है, CO2 कम होती है, इसलिए pH थोड़ी बढ़ी हुई होती है, जबकि वेन के अंदर CO2 का लेवल बढ़ा हुआ होता है इसलिए pH थोड़ी कम, कम का मतलब एसिडिक होती है, एसिडिक नहीं बोलेंगे मतलब कम होगी, 7.2 के आसपास। क्लियर है बिल्कुल, तो ध्यान रखना CO2 लेवल बढ़ेगा तो pH बढ़ेगी, CO2 लेवल घटेगा तो CO2 लेवल बढ़ेगा तो pH घटेगी, और CO2 लेवल घटेगा तो pH बढ़ेगी। क्लियर है बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, अगर राइट शिफ्ट होगा तो अनफेवरेबल कंडीशन होगी, HbO2 को डिसोसिएशन होगा, इसी को बोहर साहब ने बोला था बोहर इफेक्ट। मान लो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो यहां पर तो HbO2 का डिसोसिएशन नहीं होता, एसोसिएशन होता है, और ये वाली बात समझाई थी हेल्डन साहब ने, इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल्डन इफेक्ट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बोहर इफेक्ट। समझना मेरी बात। तो अब क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर शिफ्ट द HbO2 डिसोसिएशन कर्व टूवर्ड्स राइट या शिफ्ट द टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वो कौन से फैक्टर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो बोहर इफेक्ट समझ में आ गया, तो बोहर साहब ने बोला था कि HbO2 का डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करता है, एच आयन और CO2 पर, और हेल्डन साहब ने कहा था कि यहां पर उल्टा हो गया, HbCO2 का डिसोसिएशन किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर दोगे। अब ये कंडीशन कहां होती है समझाता हूं, ये कंडीशन होती है लंग्स में, लंग्स में आप जानते हो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आएगी और क्या कर देगी, HbCO2 का डिसोसिएशन कर देगी, तो उसको क्या बोल देंगे, हाल्डेन इफेक्ट। ये कहां होता है, टिश्यू में, नियर द टिश्यू, टिश्यू में आप जानते हैं CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो CO2 आएगी, HbO2 का डिसोसिएशन कर देगी, तो इसको बोलते हैं बोहर इफेक्ट। टिश्यू के पास राइट शिफ्ट होता है और लंग्स के पास लेफ्ट शिफ्ट। इसके अलावा कौन कौन से फैक्टर हैं, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन राइट के लिए क्या कर दूं, कम कर दूं, अनफेवरेबल, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में बढ़ा दूं, अनफेवरेबल, राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं pH कम कर दूं,
मतलब एच एंड बढ़ा दूं, इंक्रीज कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कांसेप्ट हो जाएगा राइट हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं बेटा, तो टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो अनफेवरेबल कंडीशन राइट शिफ्ट हो जाएगा, HbO2 का डिसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं P50 वैल्यू को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, क्योंकि बढ़ जाएगी राइट शिफ्ट हो जाएगा, घट जाएगी लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉमनली फैक्टर तो यही है, ठीक है। और लेफ्ट के लिए क्या करना होगा, अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या कर दूं, सॉरी बढ़ा दूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या कर दूं मैं कम कर दूं, पीएच को मैं इंक्रीज कर दूं, मतलब एच आयन को मैं डिक्रीज कर दूं, टेम्परेचर को मैं कम कर दूं, कम का मतलब है ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 के आसपास बेटर है, ठीक है। और P50 वैल्यू को क्या करना होगा मुझे लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए, P50 वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी कम पार्शियल प्रेशर पे 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो जाए तो फेवरेबल कंडीशन है, ज्यादा पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन अगर सैचुरेट हो जाए तो अनफेवरेबल कंडीशन है। तो ये तो कॉमन फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू NCERT डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा वो कौन सा फैक्टर है उसको लाइट और राइट और लेफ्ट शिफ्ट करता है। बोर इफेक्ट और हेल्ड इफेक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात आती है इसके अलावा एक दो चीजें और है वो समझना। अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट होता है डी पी जी या DPG भी बोल सकते हो, DPG ये एक ऐसा कंपोनेंट है, अगर ये हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो कर्व राइट शिफ्ट होगा ही होगा, क्योंकि तो मैं समझाता हूं, RBC के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस होती है, और ग्लाइकोलाइसिस का एक ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ठीक है, PPG या DPG। और अगर ये बनेगा तो इसका कंपलसरी है ये हीमोग्लोबिन की बीटा चेन से बाइंड करेगा ही करेगा, और अगर ये बनेगा और बीटा चेन से बाइंड करेगा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी भाई, ऑक्सीजन अल्फा से भी बाइंड करती है बीटा से भी, पर बीटा से अगर ये बाइंड कर गया तो उतनी ऑक्सीजन तो बाइंड नहीं कर पाएगी जितनी करती थी। इसीलिए अगर ह्यूमन के अंदर समझना एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा हो रहा है, या आप जब एक्सरसाइज करते हो, जब कोई भी आप ऐसे काम करते हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, BPG का अमाउंट बढ़ जाएगा, और BPG का अमाउंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घटना चालू हो जाएगी। तभी तो उस समय सिग्नलिंग कहाँ होती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास, और रेट ऑफ ब्रीदिंग को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो रेट ऑफ ब्रीदिंग इसलिए इंक्रीज नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, रेट ऑफ ब्रीदिंग इसलिए इंक्रीज होती है क्योंकि CO2 इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो रही है ड्यू टू BPG। तो BPG होगा तो कर्व राइट ही राइट शिफ्ट होगा, लेफ्ट का कहीं कंसेप्ट ही नहीं है, पर मान के चलना, क्योंकि मैंने बताया था BPG किससे बाइंड करता है, अल्फा चेन या बीटा चेन, ऑलवेज बीटा चेन से बाइंड करता है। पर अगर एक केस ले रहे हैं, फीटल हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं, ठीक है, HbF, फीटल हीमोग्लोबिन के केस में 2 अल्फा चेन होते हैं बेटा और 2 गामा चेन होते हैं, समझना मेरी बात, यहां पर बीटा चेन नहीं होते, तो बीटा चेन नहीं होते तो BPG कैसे बाइंड करेगा, और BPG अगर से बाइंड नहीं करेगा तो इस हीमोग्लोबिन की हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एफिनिटी हाई हुई या लो, हाई, इसीलिए इसके केस में कर्व कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड। और ऐसे ही केस आता है मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आप जानते हो एक प्रोटीन होती है, ठीक है, ठीक है, जो कि स्पेशली रेड मसल फाइबर में अमाउंट ज्यादा होता है, इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा होती है, समझ रहे हो, यानी जिन मसल फाइबर में ये होता है वहां एनारोबिक रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, इसके केस में भी कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। यानी ये सारे फैक्टर जो मैंने लेफ्ट साइड में फैक्टर लिखे हैं वो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट साइड में लिखे हैं वो राइट साइड शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हेल्डिन और बोहर में समझा चुका हूँ आपको, नियर द लंग्स होता है हेल्डिन और नियर द टिश्यू होता है बोहर इफेक्ट, यहाँ पर ऑक्सीजन इज अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ HB फॉर CO2 और एच एन ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर CO2 एच एन आर अफेक्टिंग द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ CO2, एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी हेड इन फैक्ट के अकॉर्डिंग HbO2 का एसोसिएशन होगा, बोर के हिसाब से HbO2 का डिसोसिएशन, ठीक है। और हेड इन की बात करते हैं तो कर्व लेफ्ट और यहाँ कर्व राइट शिफ्ट होगा, समझ में आ गया होगा। द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड शेप एट विच पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, बता चुका हूँ 50% कितने होता है, 25 mmHg। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन लंग्स, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब किसकी बात कर रहा है, लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहा है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यानी एसोसिएशन मतलब लेफ्ट शिफ्ट, तो कौन सा फैक्टर होगा लेफ्ट शिफ्ट करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बढ़ा दो, CO2 घटा दो, गलत हो गया,
बढ़ा दो, CO2 घटा दो, टेम्परेचर घटा दो, HN घटा दो, यस, ये सारे फैक्टर ऐसे फैक्टर हैं जो लैब शिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, समझ गए होगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन कॉज एन इंक्रीज इन P50 वैल्यू? P50 वैल्यू इंक्रीज मतलब राइट शिफ्ट की बात कर रहा है ऑफ हीमोग्लोबिन, समझना, या राइट शिफ्ट इन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यानी P50 वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हो, राइट शिफ्ट कौन से फैक्टर हैं जो राइट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी अनफेवरेबल कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यस। डिक्रीज pH, यस। डिक्रीज का मतलब एसिडिक। इंक्रीज टेम्परेचर, यस। डिक्रीज इन लेवल ऑफ DPG, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है, जो लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए हो गया। तीन हो गए, ABC, ABC एकदम क्लियर कंसेप्ट सेट होना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। करेक्ट पूछा है, ठीक है, और किसकी बात चल रहा है, किसकी कर रहा है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड ड्यूरिंग, समझना मेरी बात, करेक्ट ढूंढो, ड्यूरिंग नॉर्मल, ठीक है, एक्टिविटी। फिर किसी बात कर रहा है, नॉर्मल एक्टिविटी। अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन रिटर्निंग टू द लंग्स, यानी कहां से जा रहा है, नॉर्मल कंडीशन में रिटर्निंग टू द लंग्स, कैरी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्या जब लंग से रिटर्न होगा, हीमोग्लोबिन रिटर्निंग टू द लंग्स, लंग्स की तरफ जाए, रिटर्न होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा, चार में से एक, यानी 25% नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन में मैंने बताया था ओनली 25% यूटिलाइज होता है, 75% रिटर्न होता है, मीन्स थ्री मॉलिक्यूल होंगे, वन मॉलिक्यूल नहीं होगा, तो क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। ड्यूरिंग एसिडोसिस, एसिडोसिस का मतलब है ब्लड की बॉडी की पीएच क्या हो रही है, कम हो रही है। हीमोग्लोबिन इज एबल टू कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एफिनिटी, ना, एबिलिटी घट जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। इंक्रीज बीपीजी, अगर बीपीजी का लेवल बढ़ेगा इन रेड ब्लड सेल, इनहांस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, नो, रिड्यूस होगी। फीटल हीमोग्लोबिन हैज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू मैटरनल यानी हीमोग्लोबिन, यानी मदर के हीमोग्लोबिन से फीटस की ऑक्सीजन बाइंडिंग करने की जो कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन की, हमेशा ज्यादा होती है। यस, ये सब रॉन्ग है, और पूछा क्या उसने, करेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हार्डन इफेक्ट इज अपोजिट टू बोर इफेक्ट, यस। हैमबर्गर फिनोमेनन इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, समझना, नो, समझना, जब आरबीसी टिश्यू के पास होती है, किसके पास होती है, टिश्यू के पास होती है, तो आप जानते हो क्या होता है भाई, CO2 एंटर करती है कहां पर, आरबीसी में, तो CO2 की लोडिंग होती है, तो जब CO2 की लोडिंग होती है तो उस समय क्या होता है, आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयन कहां जाते हैं, HCO3 आयन कहां जाते हैं, प्लाज्मा में, और बाहर से क्लोराइड आयन कहां जाते हैं, आरबीसी के अंदर। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन, पर इसको ध्यान रखना, जब लंग्स के पास मैकेनिज्म होगी, किसके पास होगी, लंग्स के पास, तब रिवर्स मैकेनिज्म होगी। बाइकार्बोनेट आयन कहां जाएंगे बेटा, अंदर जाएंगे, HCO3 आयन आरबीसी में जाएंगे, और क्लोराइड आयन कहां जाएंगे, आउटसाइड प्लाज्मा में जाएंगे। यानी अगर कहा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, नियर द लंग्स, समझना, नियर द लंग्स प्लाज्मा में किस आयन की परसेंटेज ज्यादा होती है, बाइकार्बोनेट आयन है क्लोराइड आयन, आप बोलोगे क्लोराइड आयन की। नियर द टिश्यू, या ऐसे भी पूछ सकता है कि प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयन की परसेंटेज ज्यादा नियर द टिश्यू होती है या नियर द लंग्स होती है, तो नियर द टिश्यू बाइकार्बोनेट आयन की अमाउंट ज्यादा होगी और नियर द लंग्स क्लोराइड आयन की अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, पर इसको हैमबर्गर फिनोमिनन नहीं बोलते, समझना, तो क्लोराइड शिफ्ट को बोलते हैं हैमबर्गर फिनोमिनन, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट को हैमबर्गर नहीं बोलते। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंदर, समझना, प्लाज्मा में HCO3 आयन की परसेंटेज ज्यादा नियर द टिश्यू होगी या नियर द लंग्स, नियर द टिश्यू। प्लाज्मा में क्लोराइड आयन की कंसेंट्रेशन नियर द टिश्यू या नियर द लंग्स, नियर द लंग्स आई होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है आगे, तो ये वाला तो रॉन्ग ही हो गया। अबाउट 20 to 25% CO2 इज कैरिड इन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म, समझना, कार्बोक्सी नहीं, कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कब बनता है, जब कार्बन मोनोऑक्साइड किसे बाइंड करती है, हीमोग्लोबिन से, तब बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। CO2 बाइंड करती है तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप से बाइंड करता है CO2, समझ गए होगे। Approximately 4 ml CO2 is delivered by every 100 ml of oxygenated blood. Oxygenated नहीं, deoxygenated blood. समझ गए होगे?
ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, ओनली इन राइट। सुपर 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 कंसेप्ट समझना। अगर मैं आपसे कहूं कि बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, अगर हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजनेशन हो रहा है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो रिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, रिवर्सिबल, ऑलवेज रिवर्सिबल। CO2 की बाइंडिंग होगी तो बनेगा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि अमाइनो ग्रुप से बाइंड करता है, इसकी बाइंडिंग भी रिवर्सिबल होगी। पर अगर हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर जाए, हाईली टॉक्सिक होती है, इसकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की एफिनिटी कंपेरेटिव ऑक्सीजन 200 टाइम ज्यादा होती है, और इसकी बाइंडिंग इररिवर्सिबल बाइंडिंग होती है, लिख दिया मैंने इररिवर्सिबल, और इतनी डेंजरस होती है, एक बार बाइंड कर जाए फिर ये, समझ रहे हो ना, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेती है, हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देती तो बेटर होता, क्योंकि नया हीमोग्लोबिन बन जाता, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय भी नहीं होता, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में हाइपोक्सिया हो जाता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, और हाइपर कैपनिया हो जाता है, यानी CO2 का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? एस्फेक्सिया, यानी दम घुटने वाली प्रोसेस हो सकती है। समझ गए होगे ये वाली कंसेप्ट। अच्छा, मान लो हीमोग्लोबिन से ओजोन या नाइट्रेट, नाइट्राइड लाइक अ फ्री रेडिकल बाइंड कर जाए तो क्या होगा? तभी तो कहा जाता है आज की डाइट में, करंट डाइट है हमारे, फ्री रेडिकल बॉडी में बहुत प्रोड्यूस होते हैं, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट खाने चाहिए। अगर हम फ्री रेडिकल वाली डाइट ले रहे हैं तो ये फ्री रेडिकल हमारे हीमोग्लोबिन को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत डेंजरस प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी रिड्यूस हो सकती है, समझना। तो ऑक्सीजन नाइट्रेट, नाइट्राइड या फ्री रेडिकल बाइंड करेंगे तो हमारा हीमोग्लोबिन से बाइंड करने से बनता है मिथेमोग्लोबिन, जो कलरलेस होता है, पर समझना इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या हो गया इसका? ऑक्सीडेशन हो गया। पर अगर इस कलरलेस से ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की बाइंडिंग हो जाएगा तो आयरन ऑक्साइड बनेगा, और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा था? ब्लू। इसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। थोड़ा कॉमन है, ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि अगर मानो फर्टिलाइजर को हम खेतों में लगाते हैं, ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन के टाइम पर, और अगर वो फर्टिलाइजर, ठीक है, बारिश के पानी के संग ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए, और उस ड्रिंकिंग वाटर को आप इनटेक करोगे, तो ये नाइट्रेट, नाइट्राइट लाइक सब्सटेंस कहाँ जाएंगे? आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड करेंगे, तो आपके हीमोग्लोबिन का क्या फॉर्मेशन होगा? मिथेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग करेगा, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल अगेन इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी, और इरिवर्सिबल बाइंडिंग होगी तो परमानेंट बाइंडिंग होगी, आयरन ऑक्साइड बनेगा, और आपकी बॉडी की जो अपीयरेंस होगी, ब्लड की ब्लूश हो जाएगी, इज कॉल्ड ब्लू बेबी सिंड्रोम। आगे अगेन CO2 की बाइंडिंग किससे होती है? CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन इज कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, इन दिस CO2 रिमेन्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन एस, किससे बाइंड करेगी? NH2 से। तो कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। देखो तो रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ रहा है हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या ऑक्सीजनेशन हो रहा है? ऑक्सीजनेशन हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन CO2 बिकॉज इट, मैंने बताया था ये टॉक्सिक इसलिए है, अगर हीमोग्लोबिन को डिस्ट्रॉय कर देती कोई दिक्कत नहीं है, ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी खत्म कर देती है, यानी ये सीधा सीधा क्या करती है? रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू, उसको रिड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ना चालू हो जाती है। और कोई पिच पॉइंट इज करेक्ट अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, समझना, करेक्ट पॉइंट पूछ रहा है उसने, ठीक है, तो पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं बेटा, 97% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो HbO2 की फॉर्म में होता है, 3% ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा डिसॉल्व फॉर्म में होता है। अगर मैं CO2 की बात करता हूं बेटा, तो ध्यान रखना है आपको, अप्रोक्सीमेटली 27% जो CO2 होती है वो HbCO2 की फॉर्म में, ठीक है, RBC के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, RBC। और अगर मैं बात करता हूं 7%, तो 7% CO2 प्लाज्मा, और अगर मैं बात करता हूं 70% CO2, तो 70% CO2 HCO3 बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में हो रही है, पर किसके थ्रू हो रही है? प्लाज्मा। तो आपसे कहा जाए प्लाज्मा के थ्रू टोटल कितना परसेंट CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है 77%, और RBC के थ्रू कितना हो रहा है? ओनली 23%। एनी डाउट? अब देखो, अब कोई भी
नियरली 20 to 25% ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी, कलर 97%, अमाउंट 70% ऑफ CO2 इज करेक्ट इन डिजॉल्व स्टेट थ्रू आरबीसी, कलर थ्रू आरबीसी नहीं होना चाहिए, डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, अबाउट 97% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्ट बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड, CO2 97 प्लाज्मा ना, अगर 77 नहीं लिखते तो चल जाता, गलत हो गया। अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इज करेक्ट इन द डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, यस कंसेप्ट एकदम क्लियर। अब ये देखो, ये वॉल्यूम पे क्वेश्चन बहुत बनता है, टाइडल वॉल्यूम आप जानते हो, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इंस्पायर एंड एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना होता है 2500 to 3000 ml, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर विच फोर्सफुली एक्सपायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, टाइडल के बाद जो आप एक्सपायर कर पा रहे हो उसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो 1000 to 1100, उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, क्या बोलते हैं उसको, रेसिडुअल वॉल्यूम। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जल्दीबाजी नहीं करनी है, एक सिंपल मैंने बताया, ये लो इसको ड्रॉ करो, इसको ड्रॉ करो, उसको फिर नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो, अब क्या कर रहा है, आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, टीवी भी निकाल दिया आपने और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल दिया, था अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीद आउट फोर्सफुल इंस्पायरेशन, सॉरी गहरी सांस ले ली, इंस्पायरेशन कर लिया आपने, ठीक है टॉपर ले लिया आपने, अब आप कितना मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो, तो मैक्सिमम फोर्सफुली एक्सपायर की अगर बात आएगी तो आप यहां से यहां तक कर सकते हो, यानी आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, यानी आप टाइडल वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, यानी आप समझना सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम निकाल सकते हो, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी आप तीनों वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो देखो तीनों वॉल्यूम है इसके अंदर, यानी क्या पूछा है इसमें, आपको गहरी सांस लेनी है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना है, उसके बाद पूछ रहा है फोर्सफुली एक्सपायरेशन में क्या आप निकाल रहे हो, तो आप निकाल रहे हो IRV निकाल रहे हो, TV निकाल रहे हो, ERV निकाल रहे हो, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है समझना मेरी बात, इक्वेशन आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, तो करेक्ट की बात कर रहा है समझना, सबसे पहले बात करते हैं FRC, FRC का मतलब क्या होता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ये आपको पता है कि अगर ये टाइडल वॉल्यूम है आप एयर ले रहे हो निकाल रहे हो, एयर निकाल रहे हो, इसके बाद जो एयर रह जाती है ये कौन सी एयर आपके लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट है, यहाँ पर आप बोलोगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये आप नहीं निकाल रहे ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, और ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो आप निकाल ही नहीं सकते, ऑलवेज रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपकी कैपेसिटी है इसको लंग्स में रोकने की ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, अगर आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हो तो आप इन दोनों वॉल्यूम को अपने लंग्स में होल्ड कर सकते हो, इसी को बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग एयर को लंग्स में रोकने की हाई कैपेसिटी, तो इसमें ERV और RV दोनों हो जाएंगे, राइट, वाइटल कैपेसिटी तीनों जोड़ने पड़ेंगे वाइटल के अंदर, IRV ERV तो रॉन्ग हो गया, टाइडल वॉल्यूम टोटल लंग कैपेसिटी में से अगर वाइटल कैपेसिटी घटा दोगे तो क्या बचेगा, VC घटा दोगे तो रेजिडुअल वॉल्यूम बचेगा, टाइडल नहीं बचेगा, रॉन्ग। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम और IRV को जोड़ दोगे तो आपकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी आ गई, पर इनमें टाइडल वॉल्यूम, IRV और RV तीनों जोड़ दिए, रॉन्ग हो गया। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी, ऊपर के तीनों जोड़ दो वाइटल कैपेसिटी के अंदर, ठीक है ऊपर के तीनों जोड़ दिए, और रेजिडुअल, यानी अगर आप वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो बन जाती है टोटल लंग कैपेसिटी, TLC, क्लियर हो गया होगा, तो उसमें ऑप्शन ए और ई सेकेंड। द पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी विच कैन नॉट बी मेजर थ्रू स्पायरोमीटर, समझना पहले, मान लो ये एक ह्यूमन है, इसके माउथ में हमने एक स्पायरोमीटर लगा दिया, सिगरेट नहीं है स्पायरोमीटर, पहुंचे मेजर कर सकते हैं,
ये एयर को इनहेल भी कर रहा है, एक्सहेल भी कर रहा है, किसको कर रहा है, एयर को, समझना मेरी बात। तो इस स्पायरोमीटर से आप जब एयर को इनहेल एक्सहेल करते हो, जो एयर लंग्स में आ रही है और जा रही है, तो इसको आप यहाँ मेजर कर सकते हो, समझना। पर इस स्पायरोमीटर से किसको मेजर नहीं कर सकते, किस वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते, अगर मैं वॉल्यूम की बात करता हूँ बेटा, ठीक है, ऐसा वॉल्यूम जो लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, तो इसको आप मेजर नहीं कर सकते। अगर मैं कैपेसिटी की बात करूं, किस कैपेसिटी को मेजर नहीं कर सकते, ऐसी कोई भी कैपेसिटी जिसमें रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, समझ गए ना मेरी बात। तो आप अगर वॉल्यूम की बात, तो ध्यान रखना ये भी, क्या पूछ के ना क्या चाह रहा है, वो वॉल्यूम भी पूछ रहा है, कैपेसिटी भी पूछ रहा है। अगर ओनली वॉल्यूम पूछा होता तो आप लगाते हैं ओनली ए, पर कैपेसिटी भी पूछ रहा है, तो एफ आर सी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसमें तो रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, इसको भी काउंट करोगे। वाइटल कैपेसिटी कर सकते हो, ई आर बी कर सकते हो, आई आर बी कर सकते, सबको कर सकते हो, एक्सेप्ट टू, इनको इस पैरामीटर से आप मेजर नहीं कर सकते। तो ए और बी, थर्ड, क्लियर है बिल्कुल। इसमें आर बी तो है वॉल्यूम, और ये है कैपेसिटी, यानी इस वॉल्यूम इस कैपेसिटी को आप इस पैरामीटर से मेजर नहीं कर सकते। टोटल लंग कैपेसिटी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी क्या जाता है, ठीक है। अब देखो, इंक्रीज इन एसिडिटी हैज द सेम इफेक्ट ऑन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एज, यानी अगर मैं एसिडिटी बढ़ाऊंगा तो एच बी ओ टू डिसोसिएशन होगा, यानी कर्व कहाँ जाएगा, राइट साइड। तो कौन से फैक्टर है जो राइट साइड, आप भाई हाई टेम्परेचर राइट साइड, लेफ्ट साइड, लो पार्शियल प्रेशर, तो आप क्या लगा दोगे, बोथ, वन एंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग। आप नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए लंग्स में जो वॉल्यूम को आप होल्ड कर रहे हो, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग्स, ठीक है, आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग, आप नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद आप कितने वॉल्यूम को लंग्स में होल्ड कर पा रहे हो, बताया था मैंने, नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद आप लंग्स में जो होल्ड कर रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कितनी होती है भाई, ये क्या है, 1000 to 1100, क्या बोलते हैं, एक्सपायरेटिजर वॉल्यूम। और नीचे कह रहा है रेजिडुअल, रेजिडुअल कितना होता है, रेजिडुअल आप जानते हो 1100 से 1200, लगभग 2300, ये आपकी एफ आर सी हो गई, राइट। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विच इन द लंग्स इज लेस देन एटमोस्फेरिक प्रेशर, अगर लंग्स का अंदर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा, राइट। अच्छा, क्या उसने इनकरेक्ट पूछा है, अभी करेक्ट ही चल रहे हैं। अ हेल्दी मैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 11 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन, समझ लो उसको भी। पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू होता क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन इज इक्वल टू, समझना, टाइडल वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ ब्रीथिंग। तो आप जानते हो टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500, रेट ऑफ ब्रीथिंग, 1 मिनट में कितने बार आप ब्रीथिंग कर लेते हो, 12 to 16 टाइम कर लेते हो, तो आप इंटू करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना बैठेगा, 11000 to 8000 ml पर लीटर पर मिनट, समझ रहे ना मेरी बात। ये क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, इन 1 मिनट में आप इतना ml ऑक्सीजन, समझना, एयर को ले रहे हो और निकाल रहे हो, इस पैरामीटर से हम मेजर कर सकते हैं, ये भी राइट। क्या पूछ रहा है, व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर इन एल्वोलाई, उल्टा कर दिया, देन डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बामिनो हीमोग्लोबिन टेक प्लेस। डिसोसिएशन क्यों होगा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो एसोसिएशन होगा, ये क्या हो गया, रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा है, यही होगा। अब देखो, मैनी क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी एंड बाइकार्बोनेट आयन पास आउट, दिस टर्म एज, समझना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा है वो, मैनी क्लोराइड आयन डिफ्यूज फ्रॉम प्लाज्मा इनटू आरबीसी, क्लोराइड आयन कहाँ आ रहे हैं, प्लाज्मा से आरबीसी में आ रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट आयन कहाँ जा रहे होंगे, HCO3 आयन बाहर, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर फिनोमिनन, क्लोराइड शिफ्ट भी बोलते हैं और हैमबर्गर फिनोमिनन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, बोथ वन एंड टू, इन लंग्स देयर इज, ठीक है, डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा, आरबीसी एंड प्लाज्मा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इन्वॉल्व, समझना, रिमूवल ऑफ CO2 की बात कर रहा है ब्लड से, द
रिमूवल कहाँ होता है? नियर द लंग्स। जब आरबीसी नियर द लंग्स पहुंचेगी तब क्या होगा, यहां से सीओ टू रिमूव होके कहाँ जाएगी, बाहर। इसकी बात चल रहे हैं सीओ टू की, किससे, आर बी सी। इसमें क्या होगा, जब सीओ टू रिलीज होती है तो नियर द लंग्स क्या होता है, आप जानते हैं क्लोराइड आयन तो आते हैं बाहर और बाइकार्बोनेट आयन जाते हैं अंदर, SCO3। यानी इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, हैम्बर्गर फिनोमिना नहीं बोलते। यानी क्लोराइड आयन का तो क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है, और बाइकार्बोनेट आयन का क्या हो रहा है, इनफ्लक्स हो रहा है। तो इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इनटू प्लाज्मा, गलत हो गया, प्लाज्मा में नहीं, इनफ्लक्स आरबीसी में। इन इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू आरबीसी, इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आरबीसी, यही हो गया, इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आरबीसी, आरबीसी से क्लोराइड आयन का बाहर जाना, और सारे सारे क्या हो गए, रॉन्ग, एकदम क्लियर हो गया होगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है उसने, समझना। हाई एच आयन कंसेंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर आर फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, यस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वेओलाई इज हायर देन इन टिश्यू, एल्वेओलाई में टिश्यू से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हायर होता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन इज वाइटल कैपेसिटी, फिर वही आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल, यानी बिल्कुल सही है, यानी आपने गहरी सांस, सारा वॉल्यूम निकाल दिया, लेने के बाद मैक्सिमम कितना वॉल्यूम ले सकते हो, तो आप तीनों वॉल्यूम ले सकते हो, समझ रहे हो ना, क्या कर सकते हो, वाइटल कैपेसिटी ले सकते हो, आप बता चुका हूं मैं, ठीक है, राइट। इन एल्वियोलाई पार्शियल प्रेशर ऑफ सीओ टू लो एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई आर फॉर डिसोसिएशन ऑफ सीओ टू फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, अभी बता के चुके हैं, ठीक है, अगर सीओ टू का पार्शियल प्रेशर लो है एंड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई है फॉर डिसोसिएशन ऑफ सीओ टू फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, अच्छा यहाँ उन्होंने सही बोला है, इट इज ऑल्सो राइट, तो क्या है उसने करेक्ट पूछा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, एच एन कंसेंट्रेशन और हाई टेम्परेचर, समझना, ये राइट साइड डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वाई हायर है देन टिश्यू ऑलवेज, क्योंकि एल्वाई में 104 होता है, टिश्यू में 40 होता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, मैक्सिमम कितना आप वॉल्यूम ले सकते हो, मैक्सिमम निकालने के बाद, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद तीनों वॉल्यूम ले सकते हो, इट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। एल्वियोलाई के अंदर अगर सीओ टू का पार्शियल प्रेशर कम करते हैं, वो तो होता ही है, इससे ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तब क्या होगा, ये ऑक्सीजन क्या कर देगी, सीओ टू का डिसोसिएशन कर देगी हीमोग्लोबिन से, इसके कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, हाल्डेन इफेक्ट या बोर इफेक्ट, इसको बोलते हैं हाल्डेन इफेक्ट। तो हाल्डेन साहब ने बोला था कि HbCO2 का डिसोसिएशन किसके किस पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, क्या था कोई डाउट, नहीं, आगे बढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजली टेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा ये तो आपको, ठीक है, मान लो समझाता हूं उसको, सुपर कंसेप्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं सारे वो कंसेप्ट यूज किए हैं, ध्यान रखना, तो नीट में अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन वो नहीं है, कंसेप्ट सारे वो हैं, पूरी एनसीईआरटी के कंसेप्ट मैंने ले लिए, नीट में आए हुए सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट ले लिए, यानी अब कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता, अब समझना मेरी बात बेटा, आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जा रहे हो, समझना, तो क्या अंतर होता है लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे, लो अल्टीट्यूड पे जब आप हो गए तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑलवेज हाई होगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो HbO2 एसोसिएशन होगा, यानी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, समझना, पर जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, ध्यान रखना, लो अल्टीट्यूड हाई अल्टीट्यूड ऑक्सीजन की परसेंटेज सब जगह सिमिलर होती है, पर ऊपर जाते जाते पार्शियल प्रेशर रिड्यूस होता जाता है, तो ऊपर जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा तो HbO हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, HbO2 का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, यानी बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एफिनिटी घट जाएगी, समझ रहे हो ना मेरी बात, जब बाइंडिंग एफिनिटी घटेगी तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में आप बॉडी के अंदर कोई
माउंटेन सिकनेस वाले इफेक्ट आएंगे, लाइक हेडेक, लाइक ब्रीथ लेसनेस, ठीक है, रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, ये सारे के सारे माउंटेन सिकनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब ऐसा होगा और फिर आपको माउंटेन पे ही रहना है, तो दिस इज इमरजेंसी कंडीशन। इस समय किडनी के जेजी सेल से एक हॉर्मोन निकलता है, एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन हॉर्मोन किसको स्टिमुलेट करता है? ये बोन में जाता है, बोन मैरो में, और स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस को। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। यानी जब भी आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग इम्यूनिटी रिड्यूस होती जाएगी, समझना मेरी बात, जिसकी वजह से आपको माउंटेन सिकनेस वाले सिम्टम आएंगे, लाइक अ हेडेक, लाइक अ ब्रीथ लेसनेस, ठीक है, नाउसिया, ठीक है, लाइक हार्ट रेट आपका बढ़ेगा, आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा, ये सारे सिम्टम है, क्लियर है, ये तो सिम्टम आ गए। देन धीमे धीमे आपका एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन रिलीज होना चालू होगा, जो आपकी एरिथ्रोपोइसिस कराएगा, यानी नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगा, नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ेगा, साइज ऑफ आरबीसी नहीं बढ़ेगा। तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है, तो ये एकदम नहीं होगा। जब आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, लाइक लद्दाख, ठीक है, या आप कभी कहीं भी ऊंचाई पर जाते हो, ठीक है, लद्दाख लाइक, तो वहां पर क्या होगा, आपको कुछ टाइम रुकना पड़ता है, क्योंकि प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, तो धीमे धीमे एरिथ्रोपोएटिन निकलता है, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तभी तो जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, ऊंचाई पर रहते हैं, तो उनके चेहरे पर रेडनेस होती है, क्योंकि नंबर ऑफ आरबीसी उनका ज्यादा होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी पर यूनिट वॉल्यूम, यस, इंक्रीज इन साइज ऑफ आरबीसी, साइज नहीं बढ़ेगा, डिक्रीज इन हार्ट रेट, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, बिल्कुल फर्स्ट एंड समझ में आ गया होगा लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर क्या कंसेप्ट होता है। ऑन माउंट, अच्छा फिर वही आ गया, ऑन हाई माउंटेन डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आप लगा सकते हो चारों ही, ठीक है, क्योंकि जब लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाओगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है, ये ऐसे सारे सिम्टम आने चालू हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इन ब्रेन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ नॉर्मल रिदम ऑफ रेस्पायरेशन इन ह्यूमन, बता चुका हूँ रिदम सेंटर कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लॉन्ग गेटा, रेस्पिरेटरी सेंटर इन पोन्स, रेस्पिरेटरी सेंटर इन मेडुला। तो पोन्स रिदम सेंटर नहीं है, पोन्स सिर्फ रेगुलेशन का काम करता है, ठीक है, पोन्स का काम है रेगुलेशन, समझ लो स्टॉप करना, स्पेशली निमोटैक्सिक सेंटर जो ब्रीदिंग को स्टॉप करता है कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है, निमोटैक्सिक होता है और एपनेस्टिक, निमोटैक्सिक स्विच ऑफ होता है और एपनेस्टिक फॉर प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन, गहरी सांस लेने के लिए, निमोटैक्सिक रोकने के लिए, रिदम सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्लियर हो गया होगा। आज निमोटैक्सिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट भी होता है। निमोटैक्सिक सेंटर प्राइमरली कंट्रोल द स्विच ऑफ पॉइंट, मैंने बताया था अभी ये स्विच ऑफ पॉइंट है, तो हमारे इंस्पायरेशन को रोकता है, एक्सपायरेशन को नहीं, ठीक है, अगर ये एक्टिवेट हो जाए, समझना मेरी बात, ठीक है, अगर आपका मान लो, ठीक है, निमोटैक्सिक निमोटैक्सिक सेंटर आपका एक्टिवेट हो गया, तो निमोटैक्सिक सेंटर स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा किसके पास, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। अगर निमोटैक्सिक कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग सिग्नल मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास भेज रहा है, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किसको स्टॉप कर देगा, स्टॉप इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन रुकेगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, एक्सपायरेशन, यानी रेट ऑफ ब्रीदिंग रिड्यूस हो रही है, सॉरी रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिड्यूस हो रहा है, मेरी बात समझ रहे हो ना, मेरी बात, तो क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पायरेशन, यानी आपने गहरी सांस ली तुरंत निकाल दी, गहरी सांस ली तुरंत निकाल दी, तो समझने की कोशिश करना, यानी आप शॉर्ट ड्यूरेशन वाला इंस्पायरेशन कर रहे हो, यानी 1 मिनट के अंदर 12 to 16 टाइप आप ब्रीदिंग करते थे, अब नंबर ऑफ ब्रीदिंग क्या हो गया, बढ़ गया, यानी ब्रीदिंग रेट बढ़ गया आपका। तो निमोटैक्सिक सेंटर जब एक्टिवेट होता है तो आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि शॉर्टनिंग ऑफ इंस्पायरेशन स्टार्ट, क्लियर है, बिल्कुल। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद
एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ध्यान रखना है, हमारे रेगुलेशन की बात करते हैं तो एक तो नर्वस रेगुलेशन हो गया मेडुला ऑब्लॉन्गेटा, एक केमिकल रेगुलेशन होता है ठीक है जो सेंसर बेस्ड है, समझना मेरी बात। तो ये सेंसर का मतलब है कीमोरिसेप्टर कहाँ लगे होते हैं, एरोटिक आर्क पे लगे होते हैं और कैरेट आर्टरी पे लगे होते हैं। सिर्फ दो ही चीजों के लिए सेंसिटिव होते हैं, ओनली और ओनली एच आइन NCO2, इन्हीं के लिए होते हैं। अगर हमारे ब्लड में एच आइन और CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो तुरंत ये एक्टिवेट होंगे और सिग्नल भेजेंगे कहां पर, एमओ के पास, और एमओ रेट ऑफ ब्रीदिंग को इंक्रीज कर देगा। यानी किसके लिए सेंसिटिव है, CO2 कंसेंट्रेशन ओनली, एच आइन कंसेंट्रेशन ओनली, दोनों के लिए है। तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है, कुछ डिसऑर्डर से क्वेश्चन भी आता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया का मतलब होता है सब पूछा क्या, एक्सेप्ट करेक्ट पूछा है, एक इनकरेक्ट है। हाइपोक्सिया कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन टिश्यू, बॉडी में ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कम होने को ही हाइपोक्सिया बोलते हैं। एटीलैक्टेसिस, कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स ड्यू टू लैक ऑफ लेसिथिन, लेसिथिन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाते हैं, इसे एटीलैक्टेसिस या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। क्लियरेबल को राइट ठीक है, ये भी राइट। एम्फाइसीमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा के अंदर ध्यान रखना है हमारे लंग्स का सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है क्योंकि एल्वियोलाई सेप्टम ट्रिप्सिन एंजाइम के रिलीज होने की वजह से डाइजेस्ट हो जाते हैं ठीक है। ये देख रखा है, पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर गलत हो गया। स्पिनोइया, स्पिनोइया मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ठीक है, एज इन एस्थमा, किसी भी में हो सकता है। तो राइट, तो एक्सेप्ट वन, तो एक्सेप्ट में क्या लगाओगे, एम्फाइसीमा थर्ड वाला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, पेशेंट हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग साउंड, ध्यान रखना वीजिंग साउंड की बात कर रहा है, और जब वीजिंग साउंड की बात आती है तो वो इन्फ्लामेशन कॉमन सिम्टम है। रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इन्फ्लामेशन बहुत कॉमन सिम्टम है, ये ऑक्यूपेशनल रेस्पायरेटरी डिसऑर्डर में भी देखने को मिलता है ठीक है, ये एस्थमा में भी देखने को मिलता है ठीक है, ये और भी बहुत सारी चीजों में देखने को मिलता है, निमोनिया में भी देखने को मिलता है, कॉमन चीज है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन से आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो मेन चीज क्या है, वीजिंग साउंड। अगर वीजिंग साउंड आ गया तो आप सीधे लगाओगे एस्थमा, क्योंकि तो एस्थमा के केस में वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, इन्फ्लामेशन ब्रोंका एंड ब्रोंकियो, तो वीजिंग साउंड आ गया एस्थमा। एम्फाइसीमा आप समझ गए, सरफेस एरिया रिड्यूस होता है, निमोनिया द बैक्टीरियल डिसऑर्डर है जिसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन, ऐसी वूपिंग कफ ठीक है, बैक्टीरियल डिसऑर्डर है इसमें ठीक है, कफ प्रोड्यूस होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट एम्फाइसीमा, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर यस, मेजर कॉज ऑफ इट्स सिगरेट स्मोकिंग यस, स्मोकर्स को होने वाली प्रॉब्लम है, इट इज एलर्जी नो, एलर्जी अलग चीज है। एल्वुलर वॉल आर डैमेज यस, बताया था मैंने, क्योंकि इसमें सेप्टम डाइजेस्ट हो जाते हैं ड्यू टू ट्रिप्सिन, तभी तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बायोटेक्नोलॉजी में हमने प्रोडक्ट बनाया अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, क्लियर है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट है, और क्वेश्चन वहां पर भी आता है इस पर, ध्यान रखना। ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल, क्या एम्फाइसीमा इन्फ्लामेशन की वजह होता है, नो, रेस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज यस, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर करेक्ट अबाउट एम्फाइसीमा, 1 2 3 4, कितने पॉइंट करेक्ट है इसमें, 4, नंबर 3। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, अब समझना, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आप कोल माइन में काम करते हो तो कोल डस्ट जाने की वजह से ये डिसऑर्डर होगा, अगर आप सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हो तो सिलिका के लंग्स में एंटर करने की वजह से डिसऑर्डर होगा, इसको सिलिकोसिस बोलते हैं। अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हो तो कॉटन फाइबर के एंटर करने की वजह से ये प्रॉब्लम होगी, मेरी बात समझ रहे हो ना, तो ऐसे ही अगर आप एस्बेस्टर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो एस्बेस्टर, सिल खड़ी होता है ठीक है, व्हाइट कलर का स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन, उसकी डस्ट अगर लंग्स में जाएगी तो उसको एस्बेस्टोसिस बोलते हैं। तो इन सब की डस्ट, समझना मेरी बात, और किसी की भी डस्ट, मानो ये ह्यूमन है ठीक है, ये इसका लंग्स है, लंग्स में किसी भी टाइप का डस्ट पार्टिकल अगर एंटर कर रहा है तो लंग्स में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन तो करेगा, कॉमन सिम्टम है,
पर इन्फ्लामेशन सब जगह आ रहा है, तो इन्फ्लामेशन के साथ साथ ये हमारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस कर देगा, यानी प्रोलीफ्रेशन ऑफ कोलिजन फाइबर, और फाइब्रोसिस होने की वजह से वेंटिलेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, यानी लंग्स में कोलिजन फाइबर का अमाउंट बढ़ा देगा, इसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, प्रोलीफ्रेशन ऑफ कोलिजन फाइबर, समझ रहे हो, जो सिलिकोसिस भी बोल सकते हो, एस्बेस्टोसिस भी बोल सकते हो, फाइब्रोसिस भी बोल सकते हो। ये एस्थमा एम्फाइसीमा नहीं है, नहीं है, नहीं है, दिस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो ऑल्सो क्रोनिक है, इसको भी क्रोनिक में इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखना लेटेस्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक सारे डिसऑर्डर आपके कंप्लीट हो गए, ध्यान रखना मैंने एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्लियर करा दिया है, सारे कंसेप्ट को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में एड कर दिया है, सारे एनसीईआरटी के डायग्राम क्लियर करते हैं, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। थैंक यू, हैव अ ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड बी अ विनर, ये मैं हर बार बोलता हूं कि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, ठीक है, आप क्रैकर हो सकते हो और क्रैकर होगे अगर आप अपने ऊपर 100% ट्रस्ट करते हो तो। थैंक यू, दैट्स ट्रैक नीट यूजी, बस ध्यान रखना मेरा कोड है MD001, अगर आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस कोड को यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2020, गॉड ब्लेस यू।